अपनो हाल सुनाने राम राम
बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय। जय श्री राम। भारत हिंदू राष्ट्र की। तीन दिवसीय श्री हनुमान कथा में आज एक दिवसीय दिव्य दरबार प्रारंभ होने जा रहा है। गुरुदेव भगवान का आगमन हो चुका है। केवल राम राम के जाप से आपकी अर्जी स्वीकार होगी, तो राम राम का जाप करना है। और जिनको भी बुलाया जाएगा उनके लिए व्यवस्था कर दें आने के लिए, वो आ जाएं, आएंगे जिनको भी बुलाया जाएगा। गुरुदेव भगवान को स्पर्श नहीं करना है, दूर से प्रणाम करना है। बेल्ट पहनकर आपको पावन मंच पर नहीं आना है। और एक दिवसीय दिव्य दरबार में आपके मन में जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी समस्या है, आपकी समस्या का समाधान होगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान आ चुके हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही कृपा होती है और जिनके दर्शन मात्र से ही कष्ट दूर होते हैं। तो सभी राम राम का जाप करेंगे, पढ़ाई चलते हैं एक दिवसीय दिव्य दरबार में। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। राम नमः। गुरुभ्यो गुरु पादुकाभ्यो नमः, परिभ्या पर पादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु। सीतापति पादुकाभ्या लोकाभिरामं रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। लालोदेह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपिशूर। तुलसी वृक्ष न जानिए
गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष ना जानिए, यह सब है नंद किशोर। साधु जी, अरे ओ साधु जी, साधु जी, खेजड़िया मंदसौर के पागलों की कैसे हो? टाइम पे हैं हम? आप कुल टाइम पे हैं? नहीं कुल है, 12 बजे से तो अच्छा है कि 10 बजे आ गए? नहीं अच्छा है, कम से कम धूप होने के पहले ही दरबार पूरा तो हो जाएगा। आज भगवान श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा से खेजड़िया धाम, खेजड़िया बालाजी जिनके कल हमने दर्शन किए वापसी में, बड़ी दिव्य मूर्ति हुई, नाचती हुई मूर्ति है, नृत्य मुद्रा में श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन है। ऐसे खेजड़िया वाले श्री हनुमान जी महाराज की कृपा, पशुपतनाथ महादेव की दया, मनसा पूरण चिंता हरण बाबा हनुमान जी की कृपा से चंबल की इस पावन चंबल नदी के किनारे तट पर बसा हुआ यह स्थान, जहां 3 दिन का मंदसौर का महाकुंभ लगा हुआ है, हैं? इस मंदसौर के महाकुंभ में समूचे भारत के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, बगल में लगा है राजस्थान खम्मा गड़ीसा, राजस्थान के लोग भी यहां पर भगवान बागेश्वर बालाजी की कृपा को पाने के लिए बैठे हैं, और आप लोग भी बैठे, जो जहां बैठा, तीनों पंडालों में, चारों पंडालों में, बाहर कुछ खड़े हैं, कुछ चले आ रहे, कुछ अड़े हैं, कुछ अंदर आने के लिए लड़े हैं, हैं? हम अभी आ रहे थे रास्ते में, हमने देखा नीम के पेड़ के ऊपर लोग चढ़े, हमने कहा हे भगवान ये क्या है, तो किसी ने बताया, बोले कुछ नहीं दर्शन कर रहे हैं, हम कहा ऊपर से, बोले हाओ के जय हो, हम समझ गए मंदसौर के लोग हैं, ऐसी प्रतिभा मंदसौर में ही पाई जा सकती है, दूसरी जगह होगी भी कहां। धन्य है आप लोगों का पागलपन, और इस जुनून, इस आस्था, इस सैलाब को देखकर लग रहा कि अब धर्म विरोधियों की जलेगी और भारत हिंदू राष्ट्र बनकर के ही रहेगा। देखो कोई कुछ भी कह ले, हम तो कुछ नहीं मानते, ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बालाजी की चली नहीं है? मेरे पागलो, तुम अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना, सनातन धर्म एक ऐसी व्यवस्था है, सनातन धर्म की एक ऐसी ताकत है जिसके सामने रावण जैसी ताकतें भी झुक गई और मिट गई हैं। लत हिंदू गरी की लगी तो नशा अब सरेआम होगा, लत हिंदू गिरी की लगी तो नशा अब सरेआम होगा, मेरे जीवन का लम्हा लम्हा सिर्फ सनातन के नाम होगा। और कौन कौन अपनी जिंदगी सनातन के नाम निछावर करना चाहता है, बालाजी के चरणों से कौन कौन जुड़ना चाहता है जीवन भर के लिए, पक्का कि कच्चा, पक्का जोश में कि होश में, जय हो मंदसौर के पागलो। बड़े ही दिव्यता की बात है कि 3 दिवसीय महाकुंभ खेजड़िया धाम श्री हनुमान जी के चरणों में लगा हुआ है, जिसमें हमारे बड़े ही प्रिय सबको लेकर चलने वाले। इस कथा में एक और नई बात है, आप कहीं पर भी देखिए आपको एक सिंगल कुर्सी या सोफा नहीं मिलेगा, मतलब इस कथा में कोई VIP नहीं है, राजा हो चाहे प्रजा सब एक घाट पर बैठे हुए हैं। एक बार ताली बजाकर इस ऐसी व्यवस्था को धन्यवाद दीजिएगा। हमारे श्री हरदीप डंग जी जो हैं तो मंत्री ही, लेकिन क्या अद्भुत व्यवस्था है
कि ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, वो खुद लोगों के बीच में बैठे और जितने भी बड़े भी आई पी हाँ, इन लोगों की और एक नई अपनी प्रॉब्लम है खुद की कि इनको कुर्सी ना मिले तो इन्हें लगता ही नहीं है कि हम VIP हैं। हाँ, इनकी एक अलग समस्या है, इन्हें लगने लगता कि हम कुछ है ही नहीं है। अच्छा, एक बात और है, जितने भी VIP हैं अक्सर वही छूट जाते हैं कृपा से, और जो हमारे तुम्हारे जैसा पगला होता है वो कृपा को भरपूर पाकर के चला जाता है। VIP ताली भी VIP बजाता है। अपन लोगों की ताली तो एकदम फटाफट है कि पड़ोसी भी जग जाए। पड़ोसी तो ठीक है, अपन लोगों की ताली तो ऐसी खतरनाक है कि जो धर्म विरोधी है वो भी उनकी भीतर की जल जात। लेकिन VIP की ताली ऐसी, खुद की लुगाई हनी सुना आता, खुद की घरवाली को नहीं सुनाई देती है ऐसी ताली बजाते VIP। और हंसना भी इन लोगों का बड़ा इतना बनावटी होता है, हमें कभी कभी देखकर इतनी हंसी, इन लोगों का हंसना भी ये लोग हंसते भी इतना बनावटी हंसते हैं, हमें लगने लगता कितने मूर्ख लोग हैं। क्या? क्योंकि हंसना सिर्फ इंसान के भाग्य में है। अच्छा, आपने कभी गधा को हंसते हुए देखा? बताओ, देखा? बोलो, हमने तो नहीं देखा। कोई इंसान हंसे ना तो समझना चार पैर वाला है, और कोई गधा अगर तुम्हें हंसता हुआ मिल जाए तो समझना ये दो पैर वाला बनने वाला है। इसलिए VIP लोग, हम VIPयों की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन अरे आए भैया जाए AC यार, का विचार है, प्राण लेगा क्या? हमारा शरीर देख के AC लगाओ यार, हमको गर्मी ही पसंद है। हाँ हाँ, दूर कर दो थोड़ा सा। साधु जी, तो इस 3 दिवसीय हनुमंत कथा महोत्सव की एक यही सबसे बड़ी खूबसूरती, सब समान राजा हो चाहे प्रजा, आज 1 दिवसीय दरबार लगा हुआ है हम बालाजी के चरणों में। यही मंगल प्रार्थना करते कि जो जहां खड़ा है जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। आप सभी पर बालाजी की कृपा हो जावे। देखो, पर्चा बने या ना बने, आप हमसे मिल पाओ या ना मिल पाओ, दरबार प्रांगण में पंडाल में आकर तुम बैठ गए तो कृपा तो होनी ही होनी है, काम सफल तो होगा ही होगा, लेकिन नियम का पालन तो करना ही। नियम क्या है? लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करना है, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना है, और घर पर ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। इतने करने मात्र से ही काम सफल हो जाएगा। देखो, भगवान बागेश्वर बालाजी का दरबार आज का नहीं है, 3 पीढ़ियों का है। हमारे दादा गुरु जी भी, जो दादाजी हैं, ग्रैंडफादर हमारे, उनकी फोटो जगह जगह लगी, उन्होंने भी 40 वर्ष तक दरबार लगाया। उनके जो गुरु जी हैं, पहले उन पर कृपा हुई थी, उन्होंने भी दरबार लगाया। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। हाँ, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, हम कुछ जानते नहीं हैं, हम ना कोई महात्मा है ना हम कोई चमत्कारी है, हम तुम्हारे जैसे साधारण इंसान हैं। बस इतना अंतर है कि हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, हम बालाजी के हैं, और उसी भरोसा और उनके प्रताप से लाखों करोड़ों लोगों में अगर उन्होंने अपनी कृपा के लिए इस नालायक को चुना है, तो हमारा तो एक ही संकल्प है कि जब तक इस तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। दूसरा हमारा मानना है कि सनातन धर्म को जितने भी लोग पाखंडी कहते थे, झूठ कहते थे, अंधविश्वास कहते थे, पढ़े लिखे लोग कुछ, जिन लोगों ने थोड़ा मोड़ा पढ़ लिया उन्हें अंधविश्वास लगता था, उन लोगों के मुंह पर तमाचा है बागेश्वर बालाजी का दरबार।
वर्तमान में केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़ी पढ़ाई करने वाले, बड़े बड़े कैमरा, बड़ी बड़ी मशीनें बागेश्वर धाम के दरबार में खोज करने आई, पोल खोलवे आई, लेकिन खुद पोल खुलवा करके गए और ठटरी सी भर गई। हम फिर कहते हैं भारत के सनातन धर्म के लोगों को छोड़कर ये जितने भी एक व्यक्ति को पकड़कर 25 को करंट लगाने वाले हलीउल्लाह वाले हैं, हम उनको मंच से कहते हैं कि तुम में अगर क्षमता हो बागेश्वर दरबार का सामना कर लो, पेंट गीला करके तुमको घर भेजा जाएगा। हाँ, भारत में क्या पूरी दुनिया में सनातन धर्म के बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करने की ताकत नहीं है? लेकिन इसमें हमारी शक्ति नहीं है, किसकी? बोलो 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 बोलो, हनुमान जी महाराज की। कलयुग के राजा चारों युग परिताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा, अष्ट सिद्ध नव निधि के असबर दीन, भूत पिशाच महावीर जब संकट ते मन क्रम बचन। ये जितनी भी क्षमताएं हैं हमारी नहीं, कलयुग के राजा, इस युग के देवता और देवता चित्त न हनुमत से ही, ऐसे अनंत बलवंत परम संत कलयुग के राजा श्री बागेश्वर हनुमंत लाल जी की कृपा का प्रभाव है। जो कहते चमत्कार नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है, ये सब कपोल कल्पना है, तुम्हारी ठटरी। हम इतना बताएंगे तुम्हारे बारे में हनुमान जी की कृपा से, हम दावा नहीं करते लेकिन गीला करके भेजेंगे, इतना बताएंगे। देखो दुनिया में ऐसा कोई है नहीं जिसके करिया कांड ना हो, ऐसा कोई नहीं है जिसके कांड ना हो, और इतना बताएंगे कि तुम अपनी घरवाली तो ठीक है, अपने आप को मुंह नहीं दिखा पाओगे, यही हमारे हनुमान जी की कृपा का प्रसाद है। और पढ़े लिखे लोगों के लिए अद्भुतता का विषय है कि हाउ पॉसिबल। अभी हम गए थे गुजरात, गुजरात में एक बहन जी आई, वो एन पढ़ी थी, बहुत पढ़ी थी, MPM करें थी, को जाने क्या करें थी, हमें तो उतना ज्ञान नहीं, हम तो अनपढ़ है। हमने पूछा क्या, बोली हो सकता कि आपके अपने लोग, हमने ऐसी ठटरी बारी है, तो हम अपनी महिमा नहीं है, हमारे कोई चमत्कार नहीं, और हम पर श्रद्धा भी नहीं रखना। मंदसौर के लोगों, हमारी प्रार्थना है हम पर श्रद्धा रखोगे तो बिखर जाओगे, लेकिन जिन पर हमारा भरोसा है ऐसे हनुमान जी पर तुम भरोसा करोगे तो तुम निखर जाओगे। अब भारत के लोगों को किसी भी प्रकार के माध्यम के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। भारत के लोगों उठो और जागो और अपनी शक्ति को पहचानो और तुम हनुमान जी के भक्त बनो, दुनिया में कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। हनुमान जी कलयुग के राजा हैं, तुम्हारे पास अगर संकट है तो तुम्हें धर्म परिवर्तन नहीं करना, ना दूसरे मजहबों में जाने की आवश्यकता। अब बहन बेटियों को भी प्रार्थना है, बहनों मर जाना पर भूल कर भी दूसरे धर्म के मजहब के व्यक्ति पर भरोसा मत करना है। और मंदसौर के पागलो, तुम भी कहोगे कि कोई आया था और हम तुम्हें एक बात देकर जाएंगे, आज तक तथा कथित लोगों ने भारत के लोगों को सिर्फ भूत पकड़ाए, भूत का मतलब पास्ट, बीता हुआ कल, बिछड़ी और पिछड़ी बातें, भूत का मतलब घिसी पिटी बातें, भूत का मतलब झूठी फरेबा डर, बड़ा भय दिखाना। भारत में आज तक तथाकथित मंचों से सिर्फ भूत पकड़ाए गए। भारत के लोगों, हमसे एक पढ़े लिखे बुद्धिमान जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप भारत को देना क्या चाहते हो, हमने कहा माय डियर ठटरी के बरे,
भारत में आज तक सिर्फ भूत पकड़ाए गए, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। भगवान का मतलब सकारात्मकता, नित नई ऊर्जा, नित्य ऊर्जा। भगवान का मतलब पॉजिटिविटी। भगवान का मतलब संकट और संघर्ष में भी जीने की क्षमता। भगवान का मतलब कि किसी भी मजहब पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें बागेश्वर धाम भी जाने की आवश्यकता नहीं, तुम जहां हो वहीं से हनुमान जी के लिए हमेशा के लिए हो जाओ, तुम्हारा घर ही बागेश्वर धाम है। और मंदसौर के पागलों एक बात याद रखना, या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या तो तुम हनुमान जी का नाम लेना छोड़ दो, या तो तुम हनुमान जी के मंदिर जाना छोड़ दो, या आज से अभी से हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। मरता वो है जो दुविधा पूर्वक जिंदगी जीता है मेरे पागलो। और अगर तुमने बहुत भटक लिया हो, बहुत तुमने रो लिया हो, बहुत तुम परेशान हो गए हो, बहुत तुम्हारी जिंदगी में अड़चने आ चुकी हो, बहुत तुम्हारी जिंदगी में झंझोरता आ गई हो, बहुत जगह तुमने माथा पीट लिया हो, बहुत गुरु बदल लिए हो, बहुत टोटका कर लिए हो, हमारी बात याद रखना, तुम्हारे परचा से चमत्कार नहीं होना है, हनुमान जी की चर्चा से चमत्कार होना है। इसीलिए मेरे पागलो, आज हमारी बात तुम जिंदगी भर मानना और तुम हमसे मत जुड़ो, हम पर भरोसा मत रखो, हम पर श्रद्धा मत करो, हम पर भरोसा रखोगे तो पागल कहलाओगे, और बालाजी पर भरोसा रखोगे और तुम बागेश्वर धाम से भी जुड़ो या बागेश्वर धाम भी जाओ तो धीरेन्द्र कृष्ण नाम के व्यक्ति से मिलने के लिए मत जाया करो, जिनके कारण हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके कारण हम धर्म विरोधियों को पानी पिलवा देते हैं, जिनके कारण सनातन हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, ऐसे हनुमान जी के चरणों पर भरोसा रखो। लेकिन तुम भी नंबर एक के बदमाश हो, तुमको भी ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डालें और वो हाथ में फोड़ कर निकाल दे। तुमको भी ऐसा भगवान चाहिए कि पेपर देना और नौकरी लग जाए। तुमको भी ऐसा भगवान चाहिए कि घर पर ही हॉस्पिटल बन जाए। मेरे पागलो, ये व्यर्थ की झूठी बातें हैं, इन बातों में टाइम बर्बाद के अलावा कुछ नहीं होता है। तुम्हें कर्म करना पड़ेगा और कृपा पाने के लिए बालाजी पर भरोसा करना पड़ेगा। सिर्फ दो चीजें तुम अपनी जिंदगी में नोट कर लो, तुम्हें दुनिया में कभी भी किसी भी दरबार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतने के बाद भी अगर तुम ना मानो तो ये तुम्हारी बदमाशी है, और कोई भी धर्मगुरु तुमको ये कह नहीं सकता है। लेकिन हम कहते हैं तुम हमारे पास बिल्कुल मत आओ, जो आ रहे वो पागल हैं, और तुम हमारे पास आओगे तो तुम्हें घर की भी हो सकता गालियां खानी पड़े। हजारों ऐसे लोग हैं जो हमारे कारण गालियां खाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर पर लड़कर आते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने मित्रों से लड़ जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने दोस्तों से और रिश्तेदारों से लड़ जाते हैं। तुम अगर हमसे जुड़ोगे तो तुम्हारे साथ यही होगा। लेकिन हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, पर्चा तो बहाना है, दरबार तो बहाना है, कथा तो बहाना है, असलियत में हमें भारत के प्रत्येक सनातनियों को हनुमान जी का बनाना है। और हमारी तुमसे कोई चाह भी नहीं है। भारत का पहला दरबार बागेश्वर बालाजी का दरबार है, जहां ना दान लगता है, जब तक प्राण रहेंगे तब तक ना दान किसी को लगेगा। ना हमें तुमसे दान चाहिए, ना मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए। मंदसौर के पागलो, हमें तो तुम्हारे हृदय में हनुमान चाहिए, क्योंकि हम तुमको भटकते हुए नहीं देखना चाहते, हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते,
हम तुम्हारा शोषण होते हुए नहीं देखना चाहते कि कभी दरबारों के नाम पर शोषण, कभी मजारों के नाम पर शोषण, कभी किसी नाम पर शोषण, समय की बर्बादी। इन सब चक्रों में पड़ना बंद करो, उठो, जाग जाओ। और कभी बागेश्वर धाम जाने का मौका मिले तो हनुमान जी को देखकर और सन्यासी बाबा को देखकर जाकर कह देना, बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। पूछो उसके बाद क्या होगा, क्या संकट नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, लेकिन संकटों से लड़ने की क्षमता भी तुम्हारे पास डबल आ जाएगी। और मेरे पागलो, तुम्हारे पास अगर संकट है तो भारत के लोगों के पास संकट मोचन बागेश्वर हनुमान भी है। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीन हूं लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहु सो जात न टारो, देवन आन करी बिनती तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। बाली की त्रास कपी से बसे गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो, चौके महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन बिचारो बिचारो, कह दो जो रूप लिबाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो या हमारो, को नहीं जानत है जग में कपी संकट मोचन नाम तुम्हारो। है हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन तो कौन कौन जिंदगी भर के लिए बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहता है? जोर से बोलो, पक्का? झूठी जोश में या होश में? अच्छा एक बात बताओ, प्रत्येक समस्या का समाधान चाहते हो या एक का? बोलो, एक समस्या का समाधान होगा प्रजा से, प्रत्येक समस्या का समाधान होगा बागेश्वर बालाजी की चर्चा से। तुम पर्चा के चक्कर में तो जुड़ो ही मत, ये हमारी मन की बात बता दी जाएगी। ये बता, कई लोग तो सुबह से ये बैठे, अरे यार आ गए, प्रवचन ठोक रहे, वही घिसे पिटे, हमारे बाप को नाम बताओ, पर्चा खोलो पर्चा। हम वही बात कहेंगे, हमसे पर्चा के चक्कर में मत जुड़ना, हृदय की मन की बात जानने के चक्कर में मत जुड़ना। अरे हनुमान जी महाराज के लिए ये काम थोड़ी कठिन थोड़ी है, ये बहुत सरल सी बात है। जो हनुमान जी बिना वीजा पासपोर्ट के लंका में घुस सका, तुम्हारे दिल में नहीं घुस सका। छोटी बात है, तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी। लेकिन हाँ, पर्चा बहाना है, जिंदगी माध्यम मिलता है, पर्चा के माध्यम से जीवन जीने का एक रास्ता खुल जाता है। और दरबार में बैठने से हमें तुम्हें शक्तियां नहीं दिखाई देती, लेकिन शक्तियों को हम तुम दिखाई जरूर पड़ रहे हैं। तो घर पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो। कौन से मंत्र का? ओम बागेश्वराय नमः। यहां जितनों की अर्जी लग जाए सो ठीक है, अर्जी जिनकी ना लगे घर पर नारियल बांध दें लाल रंग के कपड़ा में, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दें, महीने में एक बार, दो महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर दें, 21 पेशी पूर्ण होते होते तक आपके काम का रास्ता सुलभ हो जाएगा। जाओ, ये आशीर्वाद है। जब जब विपदा आएगी, जब जब संकट आएगा, अगर तुम बागेश्वर बालाजी के हो गए हो, हमारा मानना है आज से 320 साल पहले पृथ्वी से प्रकट ही इसीलिए बागेश्वर बालाजी हुए कि जो सनातन धर्म को पाखंड या पागलपन अंधविश्वास समझते थे, ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा लगे। तो जब जब भी तुम्हें विपत्ति पड़ेगी, तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना नजर आएगी। बोलो सीताराम। साधु जी, साधु जी। तो एक समस्या का समाधान चाहिए या प्रत्येक का? पक्का? हाथ उठाओ, कौन कौन चाहे? अच्छा, जीवन भर कौन कौन बालाजी से जुड़ना चाहता है? चार दिन के लिए कि जिंदगी भर के लिए? अब तो नहीं बहकोगे? पक्का? तो जाओ, हम भी वचन देते हैं, हमारे पास जो भी चूरन चटनी है गुरु जी की, बालाजी की, आज से अब तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे सन्यासी बाबा की हैं। जाओ, तुम्हें इसका आभास भी होगा और तुम्हारे घर पर बालाजी की सेना भी आएगी। चाहे वो यहां बैठे देख रहे हो, चाहे पर घर पर बैठे हुए यूट्यूब पर देख रहे हो, जाओ, तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना आएगी।
मन में सीताराम जपो, आज का दरबार हम प्रारंभ करते हैं। हाँ पंडित जी, भभूति, हम दरबार प्रारंभ करते हैं, जिनको बुलाएं उन्हें आना है, पर्चा जिनके बने पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें, क्या करें पढ़ें, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा पर्चे पर, क्या लिख कर आया, थोड़ा ऊपर क्या लिख कर आया, और अपना नाम, अपनी समस्या पंडाल में दरबार में किसी को भी ना बताएं, बालाजी की कृपा में ताकत होगी तो आप हम आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुला लेंगे। हाँ ये हमारी क्षमता नहीं है। तीसरी बात, आप वही पूछना जो तुम सुन सको। हाँ तो बाद में कहो गुरुजी हमारी पोल खुल गई ठटरी के बारे। अभी हमने वहां गुजरात में एक जगह दरबार लगाया राजकोट में, एक जन के कांड खुल गए तो वो दूसरे दिन आए, हम तो मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, आपने हमारा सब कुछ बता दिया, अब टीवी से हटवाओ। हमने कहा आप कहां से हटवाओ, एक बार चलता है रेलगाड़ी में ब्रेक थोड़ी होता है, वो ब्रेक जल्दी लगता भी तो नहीं है, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि तुम बाद में पर मुंह चलाओ, ये धमकी नहीं है, हो सके तो ट्राई कर लेना। तो मैं बता रहा हूं, डिस्क्लेमर है, दिस इज माई डिस्क्लेमर। हाँ कि बाद में तुम कहोगे गुरु जी, इसलिए वही भाई देखो तुम्हें लेना देना क्या है, अपनी समस्या का समाधान लो, बालाजी की कृपा को पाओ और जाओ, लेकिन तुम ज्यादा फुदके, ज्यादा तुम अंग्रेज बने का फिर तो ठीक ही है, हमने कौन कसम खाली, हमारे पास है भाई भाई। हमारे पास है वाईफाई, सैटेलाइट लगी बागेश्वर धाम पे, उसमें से जैसे इसमें सिग्नल आते हैं हम वही बोलते हैं। देखो हमारे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं है कि हमें पता लग जाता हो, हमें तो मन में प्रेरणा लगती है, वो हम पर्चे पर लिख देते हैं और बालाजी की कृपा से जो लिख देते हैं वही सत्य निकलता है। अब जो हनुमान जी जाने, ना तो हमने कोई पढ़ाई की, हमारे तो वंश में ये चला आ रहा, हनुमान जी की जो पूजा करता, नियम करता, उपाय करता बागेश्वर धाम का, उसे ऐसी कृपा मिलती तो हमें तो चला आ रहा, तो हमारी कोई महिमा नहीं है, इसीलिए आप वही पूछना जो तुम सुन सको, जितने तक तुम सह पाओ। और हमें क्योंकि आपकी समस्या का प्रदर्शन नहीं करना है, हमें आपको समाधान देना है। सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी, मन में राम नाम जपो, नियम का पालन करना है, पर्चा को पढ़ना है, और जहां बात समझ में नया टोक देना, हो सकता है यहां वहां हमसे गलती हो जाती, बोलने में भी कई बार हमसे गलती हो जाती, मांस की जीव है, अब हमारा भी बुढ़ापा आ गया है। हाँ, 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 क्या बताएं अब, क्या बताएं, सुबह डंग जी 4 बजे तक तो हमें जगाते रहे और सुबह से फिर आ गए, बोले गुरु जी 8 बज गए, बुढ़ापा है हमारा। अब आगे को लगो हमारा शरीर भी कहने लगा गुरु जी सो जाओ, पेट कहता है रसगुल्ला ले आओ, लेकिन फिर भी हमारा प्रण है जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम तुम्हारे हैं। और एक बात बोले, अब तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं, अब तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं, आज से तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। दूसरी बात बोले, एक दिन हम तुम्हें जरूर मिलेंगे। अब भाई देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना, तो तुम सोचो कि हम गाल भी फुला लें और मोहम्मद रफी की गजल भी गा लें, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। हमारे नाम से ऑनलाइन ऑफलाइन मंदिर के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है। बड़े आदमी हो तुम, हमें दे सकत, हम सब पचा ले भी, अपनो मकान फ्लैट बंगला सोना चांदी, बैंक की FD, सोना के रुपया चांदी के रुपया बंधे रुपया, लुगाई लड़का छोड़ के सब हमारे नाम करवा सकत, हम सब पचा ले भी। बाहर में गया
तीन साल से बागेश्वर धाम पे भंडारा चल रहा, आज अभी हम दाल चावल खवा रहे, जिस दिन 2-4 करोड़ आएंगे चकाचक रबड़ी मालपुआ रसगुल्ला खिलाएंगे, घटे रामदास को बढ़े रामदास को है? अभी हमने 125 बेटियों का विवाह किया, जिस दिन 2-4-10 करोड़ आएंगे 151-200 बेटियों का विवाह करेंगे, और 8 मार्च 2024 को 151 बेटियों का विवाह होने जा रहा है। भारत का पहला ऐसा मंदिर है जो कहते कि सनातन धर्म ऐसा और वैसा, भारत का पहला दरबार है जहां की दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं, गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। और इस साल हम अबे तो हमारी जेब ढीली है, अभी तो बाबा जी कर्जा में हैं, लेकिन हमारा प्रण है इस साल मार्च के विवाह में प्रत्येक बेटी को, जो बहुत ही गरीब अनाथ जिनके माता पिता नहीं है, ऐसी बेटियों को पूरा सामान तो गृहस्थी का देंगे ही देंगे, एक एक मोटरसाइकिल भी दी जाएगी। 151 हाँ, और कराने वाले हनुमान जी है, कौन है? बागेश्वर। तो आप सब उनसे जुड़ो, उनको ध्याओ, हमारे नाम से कोई भी मिलने के नाम पर, प्रचार के नाम पर दान शुल्क नहीं लगता है। हमारे नाम पे बहुत सी झूठी वो चला देते हैं, क्या बोलते हैं उनको, न्यूज़ें यूट्यूब वाले डाल देते हैं, रोज तो हमारी शादी करवा रहे हैं, एवरी डे। अच्छा शादी करवा रहे सो तो ठीक है, बिटिया हर बार बदल देती है, रोज रोज हमारा हैप्पी बर्थडे एवरी डे। तो हमारी प्रार्थना इन चक्करों में न पड़ के जो भी खबर सत्य माने वो बागेश्वर धाम चैनल की सत्य माने, उस पर डाला जाए, जो जाता है कि अब गुरुजी यहां हैं, अब यहां कथा चल रही है यहां अंदर, उसको ही सत्य माने, बाकी को ना माने। अच्छा जय सियाराम, जय बालाजी, जय सन्यासी बाबा, जय खेजड़िया सरकार, हर 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 हर, बोल पशुपतिनाथ भगवान की। तो सब लोग मन में राम नाम जपो, अपने मस्तक पर तिलक लगाओ, और मंदसौर के पागलो तुम भी घर घर भगवान लगवाओ। हिंदुओं से हमारी तीन ही अपीलें हैं, पूछो क्या क्या, माथे पर टीका, घर के बाहर झंडा, और मुख में जय श्री राम। बस तीन चीजें आप करना शुरू कर दो, फिर तो सबकी ठटरी हम पर छोड़ो, कुछ बात है। अपने बंदर कब काम आएंगे, रात वाले बंदर कब काम आएंगे। हनुमान जी सब लीला करते हैं, सब व्यवस्था है, हनुमान जी की बड़ी दया है। सीताराम
साधु जी, साधु जी, साधु जी, साधु जी, तोरे कक्का को नहीं लगने हमारे बेचारे डंगे जी के रुपया बढ़ जाए। हाँ। दरबार में सन्यासी बाबा की आदेश अनुसार जो प्रेरणा लगी है हम आपको बुला लेते हैं, थोड़ा जल्दी आना है। और मन में सब लोग राम नाम का जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो कि आपकी भी अर्जी स्वीकार हो, बाकी सामूहिक अर्जी तो सबकी लगेगी। पहला आदेश, राम राम, ये जो लेफ्ट साइड में पंडाल है इसको बायां अंग का लेफ्ट का ये वाला, ये लेफ्ट ही है ना, ये लेफ्ट वाला, हमारी अंग्रेजी बहुत ऊंचे लेवल की है, तो बायां अंग का जो पंडाल है इसमें से अर्जी स्वीकार हुई। पहली अर्जी, पीयूष नाम का बालक कोने की तरफ बैठा हुआ है, आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार है। हाँ पीयूष कोने की तरफ में बैठा है, एलईडी के कोने की तरफ में, आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार है। नंबर दो, दरबार के पंडाल के मध्य की अर्जी, रेखा नाम की माताजी दूसरी डी के बाद विराजमान है, बीचों बीच रेखा नाम की माताजी, आ जाइएगा, पीली सी साड़ी पहने हैं, आपकी अर्जी स्वीकार है, आ जाएं। ये धारीदार वाला माताजी, आगे वाली जय, जल्दी आइए, हाँ जल्दी। नंबर तीन, राम, साधु जी, बाहर में पंडाल के सामने में एक अमित नाम का बालक खड़ा है, तुम आ जाओ, तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार है। नंबर चार, इसी प्रांगण में राम, पुष्पेंद्र नाम का बालक, दरबार प्रांगण में ही पुष्पेंद्र नाम का बालक तौलिया डाले बैठा है, आ जाइएगा। तुम पुष्पेंद्र, या हां हां तौलिया डाली, या यू कम हेयर माय डियर क्विकली। अगला आदेश, बोलो राम, साधु जी, ये दाएं अंग में ले, राइट राइट, ये जो दायां अंग का हाथ है इसका जो पंडाल है, राइट अंग्रेजी में हमारी हमारी तरफ से राइट, राइट हाथ के पंडाल में दूसरी डी छोड़कर राम, दोनों हाथ उठा के बोलो सीताराम, साधु जी, साधु जी, साधु जी, साधु जी, सपना नाम की बहन जी विराजमान हैं, आप आ जाएं, आपकी भी अर्जी स्वीकार है। हां यहीं खड़े करवाते जाओ, जहां से बुलाएं उन्हीं को आना है, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना देखकर भरोसा करें। दोनों हाथ उठा के बोले बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, गौ माता की। अगला आदेश सुन लो तब तक, राम 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 राम, सीताराम, साधु जी,
हाँ चलो दाढ़ी वाले बाबा तुम भी बहुत बदमाश, चश्मा लगाए, हाँ हाँ यू कम हियर, चलो चलो। अभी अगला और मन में राम नाम जपो, चलो पहली अर्जी भेजी जाए। बेल्ट पर्स चमड़े का कुछ भी ऐसा सामान मंच पर नहीं लाना है, स्पर्श भी नहीं करना, राम यहां आओ, माता जी यहां ऊपर आ जाओ, वो चढ़ने के लिए यहां बैठ जाओ, माइक लो, नजदीक आओ, कहां से आना हुआ? सुहासरा से। कहां पड़ता है माँ ये? कहां पर है ये? मंदसौर जिले, मंदसौर जिला। अच्छा मंदसौर, पढ़ी लिखी हो? नहीं। साथ में कोई आया? हाँ। बुला लो। सुनील जी से। आने दो इनके साथ, नहीं इनको अभी नहीं, इनको बैठने दो। गुड़िया भी है। हाँ बुला लो, आप बुला लो। सीताराम, साथ में है क्या? हाँ साथ में। भैया आ जाओ जल्दी, आप भर आओ, उन आप भर आओ भैया, आप भर आ जाओ। राम थोड़ा जल्दी आ, नंबर तब तक आएंगे हम और अर्जी भी बुला लेते हैं। बोलो सीताराम, सीताराम। साधु जी, सीताराम। साधु जी, सीताराम। साधु जी, सीताराम। नहीं नहीं इनको, हाँ आ जाइए, यहाँ ऊपर आइए, थोड़ा जल्दी कीजिए, सुपर फास्ट, क्योंकि हमें ज्यादा अर्जी लगा। बैठ जाइए आप, यहाँ यहाँ बैठिए ताकि आप पर्चा पढ़ सकें, पूछ लीजिए, प्रश्न करिए, जो जो आपकी अर्जी हो हमने लिख लिया। अच्छा उसका नाम क्या है? और पूछो, और प्रश्न क्या है जी? और मैं इस गुड़िया के बाद मेरा कुछ भी नहीं होगा। हमने ऐसा लिखा, आप अगर गलत हो तो टोक देना, माइक ले लो, माइक से टोकना, बुद्धू बिल्कुल मत बनना। हमने लिखा आपके घर में बहुत परेशानी बनी, बेटी आंचल चल नहीं पाती, शरीर में सुन्नपन है, नसों में दिक्कत है, इस बेटी के बाद में कोई संतान नहीं हुई, पढ़ते जाइए, कोई संतान नहीं हुई, घर में स्ट्रेस बना हुआ है, पेट की पीड़ा भी बनी हुई है, बालिका को डॉक्टरों ने मना कर दिया, 40% लाभ धाम पर चमत्कार से व मंत्र चिकित्सा से हो जाएगा, आशीर्वाद है। पर्चा पढ़िए, बोलिए क्या यही बात है? सही बात है। माइक से बोलिए, सही बात है। कोई संदेह है? कोई संदेह के पहले से यहाँ किसी को लिखवाया था क्या? नहीं लिखवाया, किसी ने पूछा तो नहीं था? नहीं पूछा था। बोलो जय सियाराम, जय सियाराम। धाम पर लाना है, वहीं पर उपाय होगा, ठीक है गुरु जी, नियम का पालन करना है, करेंगे। हमने उपाय लिख दिया, भगवान शंकर का अभिषेक करवाना है आपको सोमवार को, ये मंत्र है ओम श्रीम, आगे ये नमः लिखा है, हमारी हिंदी गड़बड़ है, इस मंत्र की 3 माला, बच्ची को हम झाड़ा लगा देंगे, अभी हम भभूति दे देते हैं, आज से ही लाभ होगा, बालाजी कृपा करेंगे, जाओ कह दिया, आशीर्वाद है। लीजिए नेक्स्ट,
साधु जी ओ साधु जी, यहां बैठिए भैया, यहां आओ। यहां माइक लो, उस तरफ मुंह करो। हाँ, कहां से आए हो आप? मनासा तहसील नकपुरा से। नकपुरा से कहां पड़ता है? मनासा तहसील। ये इसी जिले में है क्या? हाँ, नहीं, नीमच जिले में। नीमच बगल में है क्या कहीं? हाँ। अच्छा, मध्य प्रदेश में है क्या बाहर? मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य। हमें कम पढ़े, हम कम पढ़े लिखे हैं ना, अनपढ़। अच्छा, कोई बात नहीं, क्या क्या पूछना है पूछिए, आपकी बातें लिख पढ़ लेते हो? पढ़ लेते हो? बच्चा बोल नहीं सकता है जी, ये इसके साथ मतलब बोलने चलने में हर चीज में समस्या है। कोई बात नहीं, और कोई बात? और तो समस्या है बहुत सी है, पर आप कृपा कर दो, बहुत बड़ी। अच्छा ठीक है, इनका नाम क्या है? इसका नाम पीयूष है। पीयूष। अच्छा पढ़िए। बालक को दिमागी कमजोरी बनी, वाणी से भी परेशान है, बोल नहीं पाता, बहुत हैरान करता है, नाम पीयूष है। 25% लाभ, दिमाग स्ट्रांग में हो जाएगा, चिंता ना करें, मकान का काम भी पूरा हो जाएगा, मकान को लेकर के भी चिंता है। तीसरी बात, एकता नहीं है पूरे परिवार में, जिसको लेकर के भी बहुत डिप्रेशन में है, परिवार एक बना रहेगा, आशीर्वाद है। माइक से बोलिए, क्या ये तीनों प्रश्न आपके हैं? बिल्कुल सही सत्य बात है। कोई संदेह है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ लिखवाया तो नहीं था? नहीं, नहीं, नहीं। सीताराम, बालक ये जन्मजात है, कोई भी भूत बाधा नहीं है, कोई भी तंत्र नहीं है, अनेक जगहों पर दिखवा लिया, कोई भी भूत बाधा बालक पर नहीं है, ना इन चक्रों में पड़े, ना ऐसा कोई उपाय करें, चूंकि इसको गर्भ से ही दिक्कत है, गर्भ से जन्मजात दिक्कत है, लेकिन दिया हुआ समय 25% 2026 9 मई तक इस बालक को आराम मंत्र चिकित्सा से लग जाएगा, जाओ बात नहीं कटेगी, आशीर्वाद। जय हो बागेश्वर धाम। नियम का पालन करना पड़ेगा, बालाजी की पेशी करनी पड़ेगी, बालक पर बालक के नाम से 3 सुंदर कांड के पाठ करवाने, इतने में ही सेना पहुंच जाएगी, जाओ बालाजी दया कर। और भोलेनाथ कम बनो करे, तुम बहुत उपद्री भी हो, भोलेनाथ बन जाते हो, बंद कर देना, लौट के शिकायत ना मिले, जाओ अब पोल नहीं खोल रहे थे, मैं समझ जाओ, समझ गए भोलेनाथ, धुआं धक्कड़ है, हमारा भाई भाई वेरी हाई फाई, या यू कैन गो। सीताराम, अगला नंबर, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। माइक लो भैया, यहां आओ। कहां से आना हुआ है? आगर मालवा सुदवा से। अच्छा, यहीं कहीं पड़ता है क्या? सुदवा से 70 किलोमीटर है। अच्छा, आगर मालवा का। अच्छा, पहली बार आए हो? पहली बार आया हूं गरबा। अच्छा, क्या नाम है? पुष्पेंद्र। अच्छा, हमने बुलाया था क्यों? हमने बुलाया था, यहीं पे अभी बुलाया था। अच्छा, आई एम सॉरी, चल हमने लिख लिया, बोलो इनसे क्या अर्जी है, उनसे यहाँ यहाँ बैठ के थोड़ा सा मुंह टेढ़ा कर लो, उधर अब कर लो, क्योंकि पूरे सिग्नल वहीं धरे हैं, बोलो क्या बात? हाँ, ये आपके भाई ही तो हैं। हाँ, नाम क्या था उनका? इससे बोलो जो भी बोलना माइक। कृष्णपाल सिंह। हाँ, और बोलो, और पूछो। और कर्ज का। ठीक है, कितना कितना कर्ज? कितना उतर जाएगा? अच्छा, कितना है? 10 किस्म। बस इतनी छोटी बात पढ़ो।
मन शांत, काम रुक गया, कर्ज मुक्ति का आशीर्वाद लेने आए हैं, भाई का प्रश्न भी कृष्णकान का बोलेंगे, मृत्यु का रहस्य जानने आए हैं, मौत का रहस्य जानने आए हैं, मुंह में दिक्कत हो गई थी, पूरा मुंह जकड़ गया था, कारण तंत्र विद्या जो स्त्री का शक है वो बात सत्य है, उसी ने मारण करवाया है, इसी कारण से मृत्यु हुई है, आगे किसी भी परिवार पर उसका तंत्र नहीं चलेगा। आपका 9,22,000 का कर्जा वर्तमान में है, रेट पूरे लिखे हुए हैं, जो चुक जाएगा आशीर्वाद है। जय हो बागेश्वर सर। राजा रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर सरकार की जय। बैठो, दो बातें और सुनो। नया काम करना चाहते, नया काम करना चाहते, एक मित्र से चर्चा चली है जी। साथ ही वर्तमान में पेट पीड़ा से ग्रसित हैं जी, पेट पीड़ा से ग्रसित हैं, आंत में सूजन आ जाती है, वह पेट में असहनीय दर्द चाकू जैसा चलने लगता है, क्या ये बात सही है? सही है, ठीक होगा। वह नया काम 3 महीने बाद आप चालू करो, बालाजी कृपा करेंगे, उसी से कर्जा चुकेगा। गलत निर्णय और गलत संगत में पड़ने के कारण आपका कर्जा बना है जी। उपद्री रहे, फूंकवे वाले रहे, बाकी इसके आगे तुम्हारी खोलेंगे नहीं, समझ जाओ। और जो तुम अकेले में बोल रहे थे कि क्या हमारा भी अंदर की जान पाएंगे, तुम दोनों मित्रों से जो शाम को कह रहे थे तब भी हम सुन रहे थे तुम्हारी ठटरी, और तुम कहां कहां जात जो भी हमें पतो, तुम्हारी मोटरसाइकिल कहां घूमत हमें जो भी पतो, हमें जो भी पतो है कि तुमने की पे 3 जन पे कई है कि हम देख रहे हम जा रहे, बोलो हाँ या ना। हाँ, ठटरी के बड़े फंसी हो ना हमारे राउंड में, हम बहुत खतरनाक हैं, लेकिन हम तुम्हारी बेइज्जती नहीं करेंगे क्योंकि तुम घरे मुंह नहीं दिखा पाओगे, इसलिए इतने में ही समझ जाओ। बोलो समझ गए हम के नहीं समझ गए, इनसे क्षमा मांगो, लौट के हमें गलती ना मिले, नहीं था हमने इंटरनेशनल बेइज्जती करते हैं हम, इंटरनेशनल खुतरा। साधु जी, और तुम्हारी क्षमता नहीं है तो तुम मना कर दो, यही बालाजी की कृपा है, यही किसकी कृपा है? बागेश्वर। आइए, ये दाहिने हाथ में वो बाएं हाथ में आगे बैठी हैं बहन जी, आ जाइए जाली के जस्ट पीछे। हाँ हाँ, जिन्होंने अभी हाथ खड़ा किया, लाल दुपट्टा सजा जी जी, बहन दोनों को आने देना, लाल दुपट्टा वाली वो जो बहन जी खड़ी भाई, इन दोनों को। हाँ भाई माइक लीजिए। तब प्रभु कहाँ से आए? मैं प्रतापगढ़ से आया, राजस्थान से। राजस्थान जी, बोलो बागेश्वर धाम सरकार की। बाहर पंडाल के एक माताजी खड़ी हैं, कैंसर नामक रोग है, वृद्ध दादी जी आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार है। इधर आए प्रभु, पहली बार आए हैं, उधर देखो जी गुरुजी, हमने लिख लिया जो हमें बालाजी की गुरुजी की आज्ञा लगी, आप प्रश्न करो, क्या बात है? बस काम धंधा अच्छा चलना चाहिए गुरुजी। काय का काम है प्यारे? ट्रैक्टर का शोरूम है। अच्छा पढ़िए, ये क्या लिखा? कार्य नहीं चल रहा, आपका शोरूम है जो उसकी अर्जी लेकर आए हैं, इसी पर कृपा पाने आए हैं, तेज चलेगा शोरूम का काम, जुलाई के महीने से आशीर्वाद है। बोला बागेश्वर धाम सरकार की। बराबर, कोई संदेह? कोई संदेह नहीं।
ये मंत्र है। एक प्रश्न और रह गया। ये हमने तुम्हारी डिटेलें भी लिख दी हैं, क्या चाहते हो उससे? कुछ नहीं, बस अच्छा घर परिवार अच्छा रहे, मैं भी अच्छा। पढ़िए, आपका आशीर्वाद बाला सर। बीच में गलत संगत में फंस गए थे, ब्लैकमेल हो जाते थे, बहकना नहीं है, सावधान रहें, आशीर्वाद। बागेश्वर सरकार की। थोड़ी सी डिटेल भी हमने लिखी, ज्यादा कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ दो अक्षर लिखे। तुमको लोगों को होता है मलेरिया, तुमको हुआ है लवेरिया। बोलो हाँ या ना। पहले हुआ था, अभी शादी हुई। अब दुनियादारी बिल्कुल नहीं करना। और ये वाली बात है, ये भी सही है, अब तो नहीं करेंगे। ये वाली बात माइक ऊपर कर लो। बिल्कुल सही है गुरु, बिल्कुल सही, अब तो नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बहुत अच्छे बच्चे हो, सुधार जाओ, आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद। क्योंकि तुम्हारे ऊपर शत्रु बहुत लगे हैं, तुम्हारे अपने भी बहुत लगे हैं, गिराना चाह रहे, पूरा घर बर्बाद करना चाह, हमने इसको काट दिया है किसी कारण, और परिवार भी तुम्हारा ठीक है, ऐसा नहीं है, भूल है पहले की है, वर्तमान की ऐसी कोई भूल नहीं है, लेकिन हम पे छोड़ो, हम पूरी करेंगे। और तुम्हारा तुम एक दिन ऐसा आएगा कि नाम रोशन होगा, जाओ हमने कह दिया, और दूसरी कंपनी भी तुम्हें मिलने वाली, जा। और इस बार बालाजी ने चाहा, जाओ खूब तेज बिक्री होगी, आशीर्वाद है। लेकिन इनमें कोई गलती ना मिले, भजन बहुत करना है, बालाजी पर भरोसा करना, कर्म करना है, कर्म से ही फल प्राप्त होगा। धाम आना, हम एक कवच दे देंगे, और कोई भी तंत्र टोटका नहीं है, बस विसंगति, गलत लोग जुड़े वो बहका देते हैं, गलत विचार दे देते हैं, तो तुम काम पे ध्यान नहीं दे, ये कारण। तो अब उस पर तुम्हें फोकस करना है, आलस बहुत कम करना है। अब आलसी बहुत हो गए, 1.5 साल हो गया आलस करते करते, अब आलस त्यागो, काम बहुत ज्यादा करो, कर्म पर भरोसा करो, हम कवच देंगे, कोई भी भूत बाधा तंत्र बाधा नहीं है, ना इन चक्करों में तुम्हें पढ़ना है। अखंड ज्योति 5 दिन की बालाजी के नाम की जला देनी, जाओ पिताजी की सुरक्षा रहे, शत्रु शांत रहे, ये परिवार के शत्रु भी मौन हो जावे, और जाओ तुम्हारा एक और नया काम प्रारंभ हो जावे, ये लोग भी पीछे हट जावे, और घर में ये जो एकता नहीं है, ये एकता भी बरकरार बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद है। नेक्स्ट, आइए 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 आइए। आओ महापुरुष, तुम महादेव हो, तुम्हारे शंकर जी कैसे हैं? नजदीक बैठो, हम कौन मार रहे हैं, बैठो। आओ, कहाँ रहते हो? माइक ले, माइक ले। कहाँ पड़ता है ये? ये पास में ही है। पास में ही है, यहीं खेजड़िया के पास। राम राम, आप जैसे पूछेंगे वैसे आपको प्रतिउत्तर प्राप्त होंगे। आप अगर गालियों के नाम पूछेंगे तो गालियां मिलेंगी, हाँ। और यही एक वर्तमान में कलयुग में अद्भुतता का विषय है कि हाउ पॉसिबल। एक दिल्ली का IIT का लड़का आया था धाम पर, अब तो चेला हो गया हमारा, ज्यादा होशियार। बोले हम ऐसा वैसा, हमने विज्ञान पढ़ी, ये पढ़ी। हमने कहा तुमने पढ़ी, हमने ना पढ़ी। वो बोला अच्छा बताओ, हमने मंदिर पर तुम्हें कौन कौन सी गालियां दी, ऐसे ही बोला। हमने कहा यार हमने चुनौती बहुत स्वीकार की, बहुत हमने जवाब दिए, अब हम इन सबसे बहुत परेशान हो गए, अब हम जवाब नहीं देते, तुमसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता। अरे बोले नहीं नहीं नहीं, बता नहीं पा रहे, बताओ बताओ बताओ। वह भी भरोसो ना दोगे, ऐसा भी हो सकता। हमने लिखो पर्चा, हमने 2 गाली एक्स्ट्रा लिखी और नीचे लिखी सेम टू यू। हमने कहा बेटा तुमने जे जे गालियां दी और जे 2 हमारी तरफ से ब्याज में लियो और सेम टू यू।
उसे भी भरोसा। अब उस दिन के बाद वो हमारा पक्का चेला हो गया बालाजी का। आओ नजदीक बोलो क्या बात है। हमने तो जान लिया, हमें जो प्रेरणा लगी हमने लिख लिया, हमारी हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं, उनकी सामर्थ्यता है। बोलो जल्दी बोलना। परिवार की समस्या गुरु। क्या हो गया? इधर थोड़ा नजदीक आ जाओ ताकि पढ़ सको। क्या हो गया? कुछ काम नहीं है जी। एक दो बातें और। खुश मतलब परिवार खुश नहीं रह पाता गुरु जी, प्रतिदिन कुछ ना कुछ समस्या आती जाती है। एक एक मेरे साथ, सिस्टर के साथ, छोटे भाई के साथ। आपने बंधन तो बहुत करवाए, उपाय भी बहुत किए, भक्ति भी बहुत कर रहे, परिणाम जीरो निकल रहा है। हमने ऐसी तीन बातें लिखी, भक्ति बनी रहे, बुरे विचार बंद हो, घर में उपद्रव बहुत मचा हुआ है, एक ना एक को पकड़ रहा है, वह गंदी हरकतें हो जाती हैं, दिमाग जकड़ लेता है, काम सफल नहीं हो रहे हैं, ना कोई कार्य रोजगार प्राप्त हो रहा है, आर्थिक तंगी व लोगों की अवहेलना से वर्तमान में जूझ रहे हैं, 2015 से सभी प्रकार से ग्रसित हैं, रास्ता जानने आए, कारण पितृ दोष है, उनका उपाय कराएं तो 2023 के 9वें महीने में ही सभी रास्ते खुलेंगे, आशीर्वाद है। सीताराम सीताराम। तुम्हारा भी एक प्रश्न है, क्या पाना चाहते हो बोलो, बिना माइक के बोलो। हम बंद कर दें? हम अपना बंद कर दें? जय श्री हर। बोलो माइक से, सही क्या गलत? सही है गुरु। जा आ सुन रहा साधु जी। जय श्री। चलिए पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें, जहां समझ में नहीं आए हमारे कार्यकर्ता उनसे पूछें, नियम पूछें। आइए बहन। जय सियाराम। माइक लोग कहां से आए? सीतामऊ से। सीतामऊ? हम जहां रुके वही है क्या? हाँ बिल्कुल। हमने तो आपको हेलीकॉप्टर में भी देखा था। अच्छा, आपने हमको देखा होगा। अच्छा, हेलीकॉप्टर पे हम कैसी लग रही थी बहन? आपने हमको देखा होगा, हम नहीं देख पाए हम हेलीकॉप्टर। चलो ठीक है बहन जी, पूछो क्या बात। ऐसे ही बोलते रहते हैं। बोलो बहन क्या बात।
कारण? हाँ 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 दो बात, हाँ और हमने तीन बातें टोटल लिखी, दो मैन हैं, एकता बनी रहे, पति की अर्जी दरबार में लेकर आई हैं, पैर में उनके रॉड चोट के कारण डरी है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं बनना है, ना उसकी चिंता करें, घर मकान स्वयं का 1.5 साल के अंतर्गत हो जाएगा, आशीर्वाद है। देवी माता की उपासना करते हैं आप? माइक माइक ले लो, माइक से बहुत अच्छा। आप देवी माता काली की उपासना करती हैं? नहीं, मैं चालीसा करती हूं, दुर्गा चालीसा। अच्छा ठीक, तो नित्य करती हैं? नींबुओं की माला देनी है, ठीक। आपके कुल देवता कहाँ है? ये आपके यहाँ नहीं है कुल देवता? क्योंकि कुल पूजा भी नहीं हो रही, आप कोई भी कुल पूजा नहीं करते, ना कोई कुल देवता आपको जानकारी में, इसके पहले आप परिवार में जानकारी लीजिए, वहां से बहुत ज्यादा फॉल्ट है, और नहीं लगे तो मंगलवार को पेशी में आना ही है बहन, हम आपको पूरी डिटेल और पूजा सहित लिख देंगे, और बिना कुल देवता की कृपा के मकान का काम चूंकि असंभव है, जो हमने डिटेल ली है, इसीलिए एक बार बीच में तय हो गया था और फिर वहां से वापस हो गया सब, और पैसा भी वहां का फिर मिट गया, वो भी आपने खर्चा कर लिया, एक जगह पहले बयाना दे दिया था आपने, ठीक है, 1.5 लाख रुपया के लगभग पहुंच गया था। माइक से बोलो। हाँ बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। ये कारण है, हमने जो डिटेल निकाली उसमें कुल देवता का रोड़ा बन रहा है, तो पहले कुल देवताओं को आप जानिएगा, आप ना जान पाए तो हम अपने गुरुदेव सन्यासी बाबा से प्रार्थना करके मंगलवार को बताएंगे, लेकिन पहली फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी है, और भजन बहुत करो, भगवती की ध्यान बहुत करो, नींबुओं की माला चढ़ा, उनको कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना, भय में आप दिन ना रात रहती हैं, अब वो चोट लगने के कारण, चूंकि एक्सीडेंट था उनका, इस कारण से जो है हुआ, आगे नहीं होगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, जो कह दिया आशीर्वाद सीताराम। लेकिन कुल देवताओं का बहन कर लीजिएगा पता, हाँ नहीं तो वो मामला बिगड़ता ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट, बोलो जय सियाराम, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। हाँ हाँ, हमने बुलाया है, हमने बुलाया, वहीं बैठी थी ना बगल में, वहीं से बुला। इसके बाद राम, चलिए मस्तक पर तिलक लगाए बालक बीचों बीच, दाढ़ी वाले, हाँ जी खड़े हो जाइए, आपके बगल वाले, हम पीछे वाले से गए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, जल्दी आइए, ये कुर्ता पजामा वाले, आगे वालों को आने देने, यहां आइए बहन, माइक लीजिए, उधर देखिए, कहां से हो आप? रतलाम के पास, ग्राम बंजली से। पहली बार आए हैं जी? नियम का पालन कर लेंगे? कर लूंगी। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो क्या प्रश्न है आपका? मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। हाँ, मेरे पति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता। अच्छा, आप पढ़ी लिखी हैं? हाँ। बहुत अच्छा, पहले नंबर से पढ़िए, क्या लिखा है? राम। हाँ, इसके बाद ये स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, एवं परेशान है, पति को भी दिक्कत है, पागलपन बना है, घर में लड़ाई करते हैं, बहुत जगह दिखा लिया है, उनको आराम नहीं लगा, दवा असर नहीं कर रही, ब्रेन की दिक्कत बताई गई है, लेकिन आपके पति के ऊपर पीर विद्या का प्रभाव है, इसलिए दवा असर नहीं कर रही, और 2 साल में पति आपके ठीक हो जाएंगे, जाओ आशीर्वाद है। क्या परिचय एकदम सही? कोई संदेह? जय श्री राम। जय सिया राम। मेरी बेटी जॉब करती है, कल उसको दिक्कत आई, वो जॉब छोड़ के घर आ गई। हाँ। तो मैं चाहती हूँ कि उसको वापस जॉब पे बुला लिया जाए। ठीक है, उसका एक निजी कारण है जी। बहुत ज्यादा सोचती है वो बच्ची, धाम पर एक बार दर्शन करा दीजिए, अर्जी नहीं लगी हम प्रार्थना कर देंगे।
मेरी तीन बेटियां हैं, मैं चाहे वो तीनों पढ़ी लिखी, पूरे परिवार पर करुणा हो, आपका पूरा परिवार बढ़े। पहले नंबर हम केवल पति और आपके लिए हम जो उसमें आज्ञा लगी इन दो पे तो कार्य करवाई देंगे, बाकी धाम पर आप अर्जी लगा सकते हैं। ठीक है, चलो जय श्री राम। माता जी के साथ वाले आएंगे, माता जी को वहीं बैठा दीजिएगा। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। दरबार पंडाल में जो बीच जहां हम बैठे हैं इसी पंडाल में, एक दो तीन, तीन नंबर डी छोड़कर जो चौथी वाली डी है, इस डी में, डी मतलब ये जो रेलिंग सी लगी, जो चौथी वाली डी है इस डी में बीच में ही दो अर्जी स्वीकार हुई है, आपको तुरंत आना है। पहली अर्जी कुसुम नाम की माताजी विराजमान है चौथी डी में पीछे में, आप आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार है। दूसरी अर्जी यहीं पर बीच में ही एक जो है राम राम राम, हाँ दीपक नाम का बालक है, दीपक नाम का बालक बैठा है उसी डी में, चौथी डी में आ जाओ, नीले से वस्त्र पहने हुए बैठा है, आ जाओ शर्ट वाला, तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार है। आइए मां, हमने आपको बुलाया है, आपको बुलाया है हम, हाँ 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 उनके साथ में, जी 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 हाँ ठीक है नजदीक आओ, यहां पास में आप आ जाइएगा, नजदीक आ जाओ, बकरी में यहां खड़े आओ। कहां से आई माँ? नारगढ़ से। हैं? नारगढ़ से। कहां पड़ता है? उधर कल तो यह सोता था, परसों आज तो बाहर सोता था, आज वो उठा उधर बैठा था, ये मागा नहीं है। यहां पड़ता है? हाँ उधर उस पंडाल में, उस पंडाल इधर। भैया नाहतगढ़ देखना है यहीं कहीं? धूप में पड़ता नहीं? आप पढ़ी लिखी हो अम्मा ली, कोई बहुत पढ़ा लिखा है क्या यहां आगे में? तुम बहुत पढ़े लिखे हो? हाँ टोपी वाले आइए जी, बहुत पढ़े लिखे हैं, आइए 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 आइए, थोड़ा जल्दी आइए आप, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे हो। नहीं 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 आइए आइए, थोड़ा जल्दी आइए, बहुत पढ़े लिखे, आइए आइए आइए। मोबाइल पर्स सब वहीं रख दो, और चमड़ा को बेल्ट वगैरह चश्मा वगैरह सब वहीं रख दो, आओ जल्दी आओ, ये बहुत पढ़े लिखे हैं, आइए आइए, धन्यवाद, उठ बैठो। कितने पढ़े लिखे? कितने? फकाए को खड़े हो गए, चलो बालाजी की है। चलो क्या नाम है उनका, क्या हो गया है? अच्छा कहां पे? ठीक चलो तुम आ तो जाओ। कैंसर नामक रोग पेट बच्चादानी में तीसरा स्टेज पार कर गया है, आराम लगेगा, हैरान ना हो, डॉक्टरी सलाह चलाते रहें, आशीर्वाद है। यही है बराबर? बराबर यही है। जय श्री राम। जय श्री राम। माताजी डॉक्टरी सलाह बंद नहीं करनी, साथ में मंत्र चिकित्सा हम भभूति दे देते हैं, आप धाम से औषधि ले लेना और डॉक्टरी सलाह भी बंद मत करना, दोनों को साथ में चलाना तो आराम लगेगा, दुआ और दवा दोनों की आवश्यकता है,
ये जो चाकू जैसी चलने लगती ये भी ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। आपको हमारी बात समझ आ गई? केवल पर्चा के भरोसे नहीं, दुआ और दवा दोनों चलन ठीक, आशीर्वाद। और ये बहुत जगह जो तुम गई हो ना, ये बंद करो, केवल डॉक्टर इलाज और हनुमान जी पर भरोसा। हाँ माता जी जाओ, हमारी भाषा समझ आ गई? चलो तुम बहुत ज्यादा ही पढ़े लिखे, आशीर्वाद। बड़ी एक रमंगला पर साहब को भेज देना हूं जी। इसके बाद दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। माइक लीजिए इधर आई। अच्छे से बैठ जाओ। कहाँ से आए हैं? हरिपुरा गांव सर। कहाँ पड़ता है ये? बसई से आगे, यहीं पास में है क्या? हाँ पास में। कितने किलोमीटर? यहाँ से 12-13 किलोमीटर। अच्छा, पढ़े लिखे तो हो? हाँ जी। ठीक है, पूछो क्या बात। गुरुजी मेरे घर में बीमार बहुत रहते परिवार जी, के जी, माता मम्मी भगवान। और कोई बात? कौन मेन रूप से, प्रमुख रूप से कौन बीमार? पापा और मम्मी। क्या हो गया है? मम्मी कम से 20 साल से बीमार है। क्या हो गया है? और रीढ़ की हड्डी की। ठीक है, पढ़ना शुरू करो। आप अपने घर में आगे नवचंडी पाठ करा दें, सभी बीमार बने हुए जिनका विषय लेकर आए, माँ की L5 नामक नस दबी हुई है, L5 नामक नस दबी हुई, गुड़िया में दिक्कत बनी हुई है, सन 2002 की दिक्कत है, चोट लगने के कारण इसके बाद पर धीरे धीरे समस्या बढ़ गई है, एक ना एक को यह बीमारी लगातार पकड़े हुए हैं, दवा काम नहीं कर रही, नवचंडी पाठ से ही सबको आराम लगेगा, आशीर्वाद है। बराबर? कोई संदेह नहीं, कोई। यह मंत्र है, नजदीक आओ। ऐसा तो नहीं है, यही है। हमें पता था तुम पूछोगे। आशीर्वाद शुरू करो और खेजड़िया सरकार को सभा मन का प्रसाद चढ़ा देना। जाओ, दौड़ जाएगी गाड़ी। उठो, हाँ भाई साहब, सीतारूम आइए। क्या नाम है? ओ, हमने बुलाया था क्या? वहां पीछे बैठी थी। माइक, पहले माइक ले लो, जो ले लो इसे बोलो। हेलो, हेलो, आवाज आ रही? कान में लगाओ। हेलो, हेलो, इस वाले कान में लगाओ। हेलो, हेलो, कपड़ा के ऊपर से ऐसे लगाओ, शायद आवाज ना आए। हेलो, आ रही ना? आ रही, ठीक। साधु जी, कुसुम नाम, कहाँ रहती हो? माइक ले लो ना, यही से बोल रहा हूँ। का पास लूना खड़ा। कहाँ पड़ता है? यो या मेरे से। तो
बड़ी दुखी हूँ, अबे आप सब उद्धो करो मार घर को, कोई भी नहीं है हमारा कोई को। पूछो क्या बात है, थोड़ा नजदीक आके। संतान को नहीं बोली थी, संतान को सुख को नहीं। और घर में भी खूब दुखी हूँ, मांद हास कुछ भी नहीं निकले, बीमारी निकले भी कौन। साथ में कोई और आया है, पढ़ी लिखी है आप? हम पढ़ के बता देते हैं, आप किसी से भी बाद में पढ़वा लेना क्योंकि देर लगेगी। आपको शरीर में दिक्कत बनी हुई है, लगातार बीमार बनी रहती, वजन घटता है, पेट व शरीर में जकड़न हो जाती, ये तो दिक्कत है ना। कोई भी संतान नहीं है, रोग ठीक होगा, घर में सभी को यही हैरानियां पेट की बनी हुई है, हाँ या ना। संतान योग नहीं है, न इस चक्कर में रहे, पर यह मसान के कारण बीमारी है, इसलिए दवा ठीक नहीं कर पाती, वह चरम रोग भी बना रहा, चरम रोग भी बना रहा, जो 7 महीने में बागेश्वर धाम के अभिमंत्रित जल से ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। आपने बंधन करवाया था? खूब कराया, जो क्यों जो ही करियो, जो क्यों जो ही की दो, खूब रुपया भी बर्बाद किया, पैसा बगाड़ा गुरु। अच्छा, स्थान बदला है क्या बाद में? हाँ। अभी ना? अब नवा मकान बना लिया, नया अगला अलग से। हाँ। पुराना वाला आपका अलग है। हाँ। वहाँ पर आपने एक कोई घोड़ा रख रखा था? कई वाला गुरु जी, अभी घोड़ा 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 हाँ छोटा सा फोटो वाला, फोटो वाला तो गुरुजी कहीं भी है तो कहीं माला में भी याद तो नहीं रही हूँ मारती। अच्छा, अभी भी है लेकिन ये? हाँ, अलमारी में रखा है, कोने में कोई अलमारी है जहाँ आपका पूजा स्थल था, देवता, जहाँ अपने देवी माता को रख रखा था, देवी माता शंकर जी को स्थान दिया था, वहीं पूजा रख रखी थी आपने, वहीं पर एक छोटा चित्र रखा हुआ है घोड़ा वाला, जो किसी के द्वारा सिद्ध करके दिया गया था, जो बंधन करने एक ताऊ आए थे, पगड़ी वाले ताऊ आए थे, इसमें उनका नाम सुजान आ रहा है, सुजान नाम के जानकार आए थे, उनके द्वारा सिद्ध किया हुआ दिया था, उन सब सामान को आप विसर्जित कर दीजिए क्योंकि वो मुसलमानी प्रयोग था। हाँ, नए वाले पे कुछ नहीं रखना, केवल हनुमान जी का पंचमुखी चित्र रखना है, जहां अभी रहते, पंचमुखी मतलब 5 मुंह होते हनुमान जी, फोटो मिलता ना 5 मुंह वाला, आप वो भर रख लीजिएगा, बाकी आप हम पर छोड़िएगा, जाओ बालाजी कृपा करेंगे, और ये चर्म रोग, शरीर की पीड़ा, बीमारी, सिर पे बोझ बनना, घर में क्लेश भी बहुत ज्यादा होना, बहुत ज्यादा उठा पटक मचाता, रात को पूरे शरीर को जकड़ लेता, सुबह से उठने नहीं देता, त्योहारों पर आपको रुलाता है, वह कोई चांटा जैसा मार जाता, रात को कोई छू जाता है, हाँ या ना, आज से बंद होगा, जाओ। बालाजी आज से कृपा करेंगे, हम पर छोड़ो, हनुमान जी दया करें, लेकिन अब कोई तुम्हें बंधन में नहीं पड़ना, किसी के भी चक्कर में, उनके चक्कर में पड़ो, हमारे भी चक्कर में नहीं पड़ना है। हाँ। बात पूरी समझ आई? कोई संदेह है आपको? हमारी भाषा समझ आई? बराबर, खुश रहो मां। साधु जी और ठाकुर जी को ही अब आप अपना बेटा मानिएगा। आइए भैया, साधु जी, ओ साधु जी, ये डी में बीचों बीच पीले वस्त्र पहने जो माता जी बैठी हुई है, आ जाइए। हाँ, खड़े हो जाओ जी। हाँ 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 हाँ, ये जो पीली साड़ी वाली माता जी भी, वो दुपट्टा डाली राजस्थानी स्टाइल में, उनको आनंद देना है। कहाँ से हो भाई? खजुरिया सारंग से। कहाँ पड़ता है ये? यहाँ से 60 किलोमीटर है, होरिटमान जी के पास। हाँ, पहली आए हैं? पहली बार आए हैं जी गुरु। क्या नाम है? दीपक सोने। दीपक, दीपक।
अच्छा हमने बुलाया था कि? जी गुरु जी। कहाँ बैठे? वहां बीच में आपके जस्ट सामने। बोलो बजरंग बली की जय। अच्छा हमें डाउट है कि हमने तुम्हें ही बुलाया या किसी और को? कोई बात नहीं, वो तो हम इसमें ही निष्कर्ष कर लेंगे। आप पहले अपना प्रश्न करो। क्या करते हो जी? हाँ क्या चाहते हो? ठीक है कोई बात नहीं, और बोलो। आपके मैं माइक लो, जो भी बात करो माइक से करो। अच्छा क्योंकि सब लोग देख रहे हैं ना, तो जो भी बोलोगे माइक से बोलोगे हमें अच्छा लगेगा, वो बात रिकॉर्ड होगी तो फैक्ट गलत नहीं होगा। नहीं तो कल के दिन आदमी को कुछ भी कह सकता। हाँ आपके पिता का नाम क्या है? मोहनलाल सोने। ठीक है, क्योंकि पर्चे में अगर ये नाम आया होगा तो तुम्हारा ही पर्चा है, और अगर नहीं आया तो किसी और का है। ठीक है, और पूछोगे कुछ? और पुत्र कामना जी। बढ़िया। अपना कैरियर उच्च चाहते हैं, धन की तंगी का दरबार में विषय व समस्या लेकर आए हैं। आपके पिता का नाम मोहनलाल है, पुत्र योग बनेगा व व्यापार काम में आप आगे बढ़ जाएंगे, आशीर्वाद है। बोला बजरंग बली की जय। बराबर। अब सुनो, अब बात नीचे भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आपने अर्जी लगाई घर पे, उसमें कोई संदेह नहीं, और ज्यादा तो नहीं। तुम्हें हम एक काम बता रहे हैं, गोपनीय है लेकिन आप उसको अपने तक ही रखिएगा। ये वाला जो तुमने बीच में सोचा था, हल्का फुल्का कभी ज्यादा मत करना, थोड़ा मोड़ा कभी लिटिल करना, थोड़े मोड़े में थोड़ी गाड़ी पीक करेगी, फिर बिजनेस डाल देना और प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ जाना बालाजी कृपा के। प्रॉपर्टी जमीनों का काम, प्रॉपर्टी मतलब जमीनों का काम, किसी के भी माध्यम से, अभी बीच के माध्यम से जुड़ो, फिर इसके बाद में सेल्फिश बढ़ना, धीरे 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 आपकी धन तंगी दूर होगी। और वाहन चलाने में बहुत स्ट्रेस हो जाता है, और बहुत ज्यादा लोगों की सुन लेते हो तो दिमाग खराब हो जाता है, और गुस्सा तुम्हें बहुत आ रहा है, और बहुत ज्यादा जवाब उल्टा फुल्टा दे देते हो, और जिसके पास कार्य करते हो उसके प्रति भी बहुत चिढ़ भर जाती है, उसके साथ भी चिढ़ भर जाती है, क्योंकि ड्राइवरी का काम है तो तुम सुन नहीं पाते हो वर्तमान में, और ड्राइवरी में तुम सुन नहीं पा रहे, इसीलिए आप बिजनेस डालिए, बिजनेस का चंद्रमा है और सफल हो जाएंगे, आशीर्वाद। जय। बात एकदम सही, कोई संदेह है? और तुमने जो घर से अर्जी लगाई थी उसी है? जी वाह वाह बहुत अच्छा, चलो खुश रहो। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। जय सियाराम। साधु जी। हाँ आइए। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ राम राम राम। माता जी यहां आ जाइए। कहाँ से आई आप? माइक ले लो। कहाँ से आई? केसरपुरा से। कहाँ पड़ता है? ये सुहासड़क पास। सुहासड़क पास। साधु जी। बोलो क्या बात है? क्या हो गया है? लड़ाई दंगा भी होता है और नाना भी नहीं पन ले रहा, लड़का भी नहीं पन रहा, लड़का भी नहीं पन ले रहा, और तीन लड़ाई दंगा बहुत। लड़का को क्या हो जाता है? वो आप रुपए क्या ही कर लेता है, न्यू ऐसा वेंडा बेर हो जाता है। और पूछो। उनकी शादी नहीं हुई रही तीन की, इन्हें लड़ाई किसकी? बलवंत सिंह की। बलवंत सिंह कौन है? बलवंत सिंह पुत्र। ठीक, एक और पूछो। राजन सिंह। प्रश्न प्रश्न और। ये लड़ाई दंगा क्यों होता है? पढ़ी लिखी हो आप? नहीं। किसी को बुलाएंगे तो बड़ा देर लगेगा।
आप में से है कोई पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा? थोड़ा जल्दी आ जाओ, हाँ कोई भी एक आ जाओ दौड़ के, लेकिन दौड़ के आ जाओ, जो जल्दी आ जाए वो आ जाओ। आ जाओ पंडित जी, आने दो, थोड़े जल्दी आओ। राम बोलो, यज्ञ नारायण भगवान की, खेजड़िया सरकार की, पशुपतिनाथ भगवान की। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, मतलब गुजराती, आप बैठ जाओ भगवान, दंडवत। अच्छे से बैठ, कैसे हैं आप, कहाँ रहते हैं? आपके घर में देवी नाराज है, इस कारण से आपके यहाँ लड़ाई होती, जिनका प्रश्न लेकर के आए हैं, बालक के विवाह में रुकावट बनी हुई है, 3 साल से बलवंत राजन आदि का विवाह योग अगले वर्ष संपन्न हो जाएगा, आशीर्वाद है। आप इनकी भाषा में समझाओ ना इनको, जो कौन सी भाषा है इनकी? अच्छा मालवी, हाँ। इनसे पूछो कि कोई आपने माता की बोलना बदना कही थी? पैदल की शादी हो जाएगी तो पैदल पैदल जाने, वही ना जाने, हाँ, तो वो वाली भी अर्जी बता दो, आप स्वीकार हो गई? वो अर्जी स्वीकार हो गई, वहां तक आपकी जो अपने माता की लगाई है वो वाली भी स्वीकार हो गई, उसका भी निष्कर्ष आ गया है, और जाओ जल्दी, तुम्हारे घर पे बहू आए, माता जी के वहां जानो, राती जी को देनो, जयकारा शेरा वालिदा, बोल सांचे दरबार की, बागेश्वर धाम सरकार की। धाम के लिए और कह दो आप, बागेश्वर धाम जानो, ये आपका पर्चा है, आइए। हाँ भगवान आपकी करुणा, बहुत अच्छे हैं, हाँ हमें देना, हम आपका भजन भी सुनेंगे और पूरी मंडली के लिए भी आशीर्वाद, पूरी मंडली बड़े भूदेवों की, आपकी पूरी टोली है, हाँ नहीं 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 भगवान की। और एक बात बोले, धन्य है मंदसौर का यह दरबार, मंदसौर खेजड़िया की यह कथा, हर समाज हर समुदाय हर संघ हर वर्ग के लोग एक होकर के भारत हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। थोड़ी रुक के हम इनकी, अच्छा 2 लाइन सुना दो, जल्दी जल्दी सुनाना। ओके सजा दो किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। कौन कौन दीवाने बागेश्वर सरकार के? हो ढूंढते रहते हैं आज कल हम, अब के दर्शनों के बहाने। ओके सजा दो किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। अरे क्यों मांगते हो झूठे जमाने से, क्यों मांगते हो झूठे जमाने से, मेरे गुरुवर ओ मेरे बालाजी देते खजाने से, ओ मेरे बालाजी देते खजाने से। ओ तार देना गुरुवर तार देना, अरे प्यार देना गुरुवर प्यार देना। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। बहुत अच्छा, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। आओ श्रीमान, आप बस दूर से ही प्रणाम करें, बस बस आप टोपी लगाएं, दूर से प्रणाम करें, हाँ धन्यवाद। यहाँ आज कहाँ रहते हैं? कोटा राजस्थान। रामगंज मंडी में पोस्टिंग, पहली बार आए हैं, माइक ले लो जी। इस तरफ मुंह कर लीजिए जी। बोलो क्या बात? बच्ची दीक्षा शर्मा है मेरी,
वो सर आईआईटी फैकल्टी है और मैंने सर बहुत तन से मतलब बहुत दिल से पढ़ाया, बालाजी की भक्त भी है, नौ बार हनुमान जी की चालीसा भी करती है और शादी की बहुत अच्छी, 8 महीने तक बहुत अच्छा चला है, लेकिन अभी दोनों के रिश्तों में थोड़ा दिक्कत आ रही है। कोई बात, बच्चा भी बहुत अच्छा है, दोनों में आपस में प्रेम है लेकिन सुख शांति नहीं है, झगड़ा चलता रहता है। लिखा बहुत परेशान, पूरे घर में लड़ाई उठा पटक मची है, वर्तमान में बच्ची के बारे में पूछने आए हैं, जो पति उनके आरोप लगाते हैं वह क्लेश बना हुआ है, घर वालों को लेकर के बहुत ज्यादा लड़ाई मची हुई है, सामंजस्य हो जाएगा, लांछन गलत व मिथ्या है जो कट जाएगा, उनका परिवार पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पा रहा है, वो भी ठीक होगा, उसमें वो जो मिनिस्टर है उनके समझ जाइए मुखिया वो खतरनाक है, वो कान भरते हैं, इसी कारण से कलेश है, और तुम्हारी बच्ची का कलेश 3 महीने में मिटेगा, आशीर्वाद। और घर में सुख शांति रहे गुरु जी, ठीक, और आपके आशीर्वाद से चारों बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। और छोटी बच्ची की शादी का और पूछना है, उससे छोटी है डॉली शर्मा जी, उसकी शादी के लिए बहुत परेशान हूँ। बेटी छोटी डॉली का विवाह उत्तर दिशा में संपन्न होगा जी, कब तक हो जाए गुरु जी? ये हमने बता देते हैं, सन्यासी बाबा की जय। अगले साल 24 मई हो जी गुरु जी, ये मंत्र हमने लिखा, ये सन लिख दी है, ये दिशा लिख दी है जी गुरु जी, और इस मंत्र की 3 माला पहले हमें बिटिया का निपटा देने दो ताकि सामंजस्य बन जाए, जाओ कलेश कम हो जाए, आशीर्वाद मेरे लिए आदेश गुरु जी, जो भी भजन करो हनुमान जी के साधक हो आप, बहुत मानते हनुमान जी को, लगातार उस मंदिर में सेवा भी कर रहे हो, वहाँ पर एक यज्ञ करवाने का भी आपका भाव है, वो भी भंडारा भी हो जाएगा, जाओ गुरु जी। एक कड़ी गा दो गुरु जी, गा दो। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, जिसका भरोसा वीर हनुमान उसका बिगड़ता नहीं कोई काम, कर लो सिफारस दाम के बिना, कुछ न मिलेगा हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। बहुत बढ़िया, शर्मा जी की जय हो, भगवान 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 भगवान, आप अभी बढ़ दी। साधु जी, इसके बाद गुरुदेव भगवान का अगला आदेश, सरदार जी आपके पीछे जो बच्ची बैठी है इसको भेज दो, लाल वस्त्र पहने, नहीं नहीं आगे ही वाली जो पीछे, हाँ 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 जी आ जाओ बेटा, ये दुपट्टा जो, हाँ हाँ यही है, आगे बढ़ते हैं, राम सीताराम, अगला आदेश आया दाहिने हाथ का, राइट राइट हाथ का पंडाल जो है ये वाला, इस पंडाल में शिवम नाम का बालक खड़ा हुआ है पिलर को पकड़ करके, आ जाइएगा आपकी अर्जी स्वीकार है, पंडाल से दाहिने हाथ के पंडाल, हाँ 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 आ जाओ, चलो दूसरा आदेश, दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, राम साधु जी, साधु जी, साधु जी, साधु जी, चलो सरदार जी काली पगड़ी वाले, हाँ तुम बहुत सोच रहे, बहुत मुंह चला रहे, बैठे बैठे, पुनः जी आप आ जाओ जी, जी आप बैठ जाओ भाई, आप बैठ जाओ, वो माता जी पीछे वाली, और हमने पीछे के बीच में जी, आप आगे वाली माता जी को भी लेता हो, जो पीली साड़ी वाली, हाँ आप आगे वाली, इन्हीं आगे वाली को, हाँ हाँ इन्हीं को,
बस दोनों माता जी आ जाओ, आप दोनों बैठ जाओ बहन, आगे वाली बहन बैठा दो, आइए। वो पीछे वाली जो आ रहे हैं उनको आने दे माइक, वहां मुंह करो, कहां से है माइक लो, हाँ? कहां पढ़ता हूं, यही कहीं है। पढ़ी लिखी हैं आप, कहां तक, कहां तक पढ़ी हैं? एमए किया। अच्छा, बायोटेक किया। हाँ, डीसीए पीजीडीसीए। और बहुत पढ़ाई है, पूछो क्या बात जी। अच्छा जी, क्या हो गया जी, कारण जी, हम पूरी बातें बताएं। माइक आप चालू रखना, नहीं वो वाली बात हम पढ़वा भर देंगे, कुछ भी ऐसा नहीं बताएंगे, आप चिंता मत करो, माइक चालू रखो। हमने पहले पर लिखा, तनाव बहुत बना, कोई अर्जी या कोई प्रश्न नहीं लगाया था, देखने भर आए थे, दर्शन करने आई थी, डर लग रहा था इसीलिए केवल सेवादार बनी थी, बहुत परेशान है, कोई कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, बच्ची की चिंता को लेकर बहुत ज्यादा मन में डूबी रहती है, क्योंकि पति से अलग हो गई है, पति पर स्त्री चक्कर में था जो पकड़ लिया गया है। बराबर, जरा एक मिनट के लिए माइक बंद कर दो। पूरे परिवार बात एकदम से, चलो भाई आप सुन लो, सीताराम, साधु जी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। हाँ, एक बात बताना भूल गए थे, आपकी ऐसी कोई समस्या है जिसे आप माइक से नहीं बोलना चाहते या पूछना या सुनना नहीं चाहते, हमें आपका प्रदर्शन नहीं करना है, आप रोक सकते हैं, हम माइक बंद करके बताएंगे। जय हो जय हो, खाओ बदमाश। हम बैठे बैठे बहुत सोच रहे थे कि सबको बुलाएंगे, हमको बुलाएंगे क्या, है ना। इनका माइक चालू करो, हेलो करो, हेलो हेलो
आ रही देखो जी 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 आ जाओ नजदीक आ जाओ जी गुरु और नजदीक कहाँ के हो उज्जैन के गुरु जी उज्जैन जी गुरु जी पहले तो तुम्हें हमें चेक करने तो अब श्रद्धा हो गई तुम्हारी अचानक से जी जी गुरु जी चेक करने आए थे हाँ हम समझ गए थे तुम्हें जब तुमने ठटरी बार के बुलावा है तुम्हें हम बहुत बदमाश हैं जी गुरु जी आ तुम समझ जाओ हमने कैसे पकड़ लो तुम्हें जिस प्रकार दांतन में जब भोजन जात तो दांत कंकड़ पकड़ लेते हैं वैसे ही हम तुम्हारे जैसे मूरख पकड़ लेते हैं बम सीताराम सीताराम यहां किस लिए आए हो आपके लिए आए थे गुरु जी अच्छा हमने लिख लिया बोलो क्या बात करेंगे क्या नाम है आपका अमनदीप सिंह पूछिए क्या बात फ्यूचर के बारे में गुरु जी क्या टेंशन थी कि कॉलेज कंप्लीट हो गया है अभी बाकी बिजनेस वगैरह का कुछ हमने लिखा पढ़िए तुम्हारी भी आंखें खुल नजदीक आई है मन स्थिर नहीं है जांच करने आए थे कि कैसे संभव है किसी को मन की बात पता ना हो कौन लिख दे ऐसा कैसे संभव नाम अमनदीप कैरियर में व्यापार होगा आशीर्वाद है जी, जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे संभव है यही कह रहा पर्चा और कहो तो अब कुड़ी के बारे में बताएं नहीं 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 गुरु जी बस बहुत है बाकी ठीक है धन्यवाद फिर कितनी प्रीत लगी तुम्हारे पीछे बाट सब बाली वो भी पता है बुद्धू नहीं है हम नो अब आज के बाद तो नहीं सोचोगे नहीं 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 गुरु जी बहुत बहुत खुश रहो ये ले जाओ अरे भागो मत नहीं बोलना हमें हम बचन के बहुत पक्के हैं बात वो तो हमने इसलिए बताया तुम्हें क्योंकि तुम्हें भरोसा हो जाए तुम पढ़े लिखे हो अंधविश्वास में नहीं पढ़ना चाहिए जी जी। क्योंकि बहुत से फ्रॉड और बहुत से पाखंडी हैं इसलिए इतना टेस्ट तो बनता है इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन हम भी बताने को बाध्य हैं आपका व्यापार एक साल के अंदर स्थायित्व तो होगा मन में गंदे जो विचार आते वो बंद होंगे परिवार का नाम आप रोशन करोगे और बहुत अच्छी पीक जो आपको कई लोगों को काम देने का सपना है वो भी आपका पूर्ण होगा फैक्ट्री वाला आशीर्वाद है जी जी अब माइक नीचे रखो सीताराम अमनदीप ने हमको वचन दिया है कि 10 हनुमान चालीसा हम प्रतिदिन पढ़ेंगे ऐसी कोई गली नहीं जहां बालाजी की चली नहीं आइए माइक लीजिए सीताराम साधु जी सीताराम नजदीक आओ
कहाँ से आई हो माँ? मंदसौर के पास नया खेड़ा से। मंदसौर के पास नया खेड़ा बाईपास। ठीक है, पूछिए क्या बात है। आप तो अंतर्यामी। हम नहीं है अंतर्यामी, ये बिल्कुल भी हमारे नाम के पीछे बहुत गलत नाम लगा है। अंतर्यामी बालाजी है, हम तो केवल ऐसे ही मूर्ख है पगला। नहीं, नहीं, बोलो क्या प्रश्न है। परिवार में क्लेश ज्यादा रहता है, बेटे की शादी के लिए जो आए हैं कहीं यहाँ रिश्ता हो जाए ये, और बेटा पढ़ाई नौकरी। कौन आए हैं? वो जो जिनको उठाए हैं ना उनसे ही मेरे बेटे की बात भी चल रही है, तो अगर यही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। 25 साल से हमारा रिश्ता चल रहा है, जिनको वो बुलाए हैं तो बेटे बेटी भी नहीं हुए थे हमारे, तब से मैं कुंवारी थी तब से उन्होंने कहा था कि अगर आपका बेटा होगा और मेरी बेटी होगी तो अपन शादी करेंगे हैं? तो जो भी होगा हम रिश्ता करेंगे अपन आपस में। और ऐसा हुआ भी सही हो कि मेरे भी बेटा हो गया, उनके भी बेटी है। अरे वाह, आज भी 25 साल से चल रहा है, मतलब मेरी शादी से पहले से चल रहा है। वाह, तो अगर हो जाए योग तो बहुत बढ़िया बात है। हो जाना चाहिए, जब इतना पुराना नाता है। हाँ, नाता तो बहुत पुराना है। हाँ, तो नहीं चलना ही चाहिए, उसमें संदेह ही क्या। पैर शरीर की पीड़ा ठीक हो जाएगी, बेटे का विवाह का प्रश्न लेकर आए जो दरबार से ही पूर्ण होगा, आशीर्वाद है। जी, मेरी बहन और भाभी इसे अधगति उनके लिए आना पड़ेगा। जी 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 जी, और पति पत्नी में बनती बिल्कुल नहीं है। पति पत्नी में क्लेश ज्यादा होता है, किसी ने कुछ करवा रखा है घर पे, ऐसा बोले मसान घर से काम करवा रखा है। तो आप जो है कहीं चर्चा तो नहीं चलाएंगे? नहीं, ये मतलब मुझे माता जी का इष्ट है। नहीं नहीं, पढ़ी लिखी तो है आप, माइक रख लो, नाम आम हमारा मत बताना कहीं, ना चर्चा करना है आप। कलेश बनता घर में, तंत्र टोटका करवाया गया, समझ गए? अब हम ना बताइयो, हमने बताओ जे ही है, बहुत खतरनाक है, शुद्ध चुड़ैल है, हम ना बताइयो कि हमने बताओ। हमने जो नाम भी काट दो ताकि तुम कोर्ट कोर्ट में कोर्ट में ना रख पाओ। सब जानते हैं आप तो बालाजी, बालाजी बालाजी, लेकिन जाओ, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा क्योंकि देवी तुम्हारे साथ। जी, और भजन कीर्तन में मेरा मन हो मन लगे, जय हो, उसमें अच्छा करो, जय हो, जय हो, सीताराम सीताराम। साधु जी बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। हाँ, आने दो, साथ वाले दोनों को बुलाया था। तो हम ये जो आफत मोल ले रहे, क्या अपने लिए ले रहे क्या, तुम लोगों के लिए, पूरे सनातन हिंदू धर्म के लिए ले रहे हैं? हमारी तो है रोजमरण, इतने षड्यंत्र किए जाते, इतनी थोक में गालियां मिलती हमें, लेकिन हाथी चले बाजार। सीताराम बांगे, तुम समझदार हो, हम नहीं बोलेंगे। बांग्लादेश जी आ जाओ बहन जी, ये बहन जी बैठी, बहन जी तुम बहन जी होगा, हाँ तुम भी आ जाओ जी बिटिया। हाँ बेटा तुम आ जाओ, ये जो दुपट्टा डाले बहन जी इनको आने दो, ये पीली साड़ी वाली बहन जी को आने दो, बाकी कहा है भाई साहब तुम बहन जी आओ, सकल तो दिखाइयो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो, खड़े हो, इन पर कैमरा करियो जी, बहन जी ये बने, ए ए खड़े हो जाओ, खड़े हो, खड़े हो, हमने कहा खड़े हो जाओ, जे ही जॉन जी हंस रही हैं, जी जे ही है, जी जी बहन जी बने, बताओ तुम बहन जी हो, तुम बहन जी हो, साधु जी साधु जी। बीच वाली माता जी को नहीं आना है, पीछे वाली माता जी को आना है। तब तक बांग्लादेश आने दो,
हाँ तुम्हारी अर्जी लगी है, आ जाना जी। चश्मा वाला बालक, हाँ जी हाँ जी, जो कुर्ता पहने इसको भी बोल। जय श्री राम। माइक उठाओ। कहाँ से हो बेटा, कहाँ पढ़ता है? ये हरदीप जी जंजा से रहते हैं। अच्छा अच्छा, वो स्वासा है। बिना माइक के बोलना चलेगा? हाँ, और कुछ पूछेंगे? इसमें चार बातें आई हैं। घर में बहुत स्ट्रेस है, सुख शांति नहीं है, तनाव बहुत बना। एक तो बहन का प्रश्न है, दूसरा पिता परेशान, कर्ज बना चुकेगा 2026 तक, एकता नहीं है। कोई आपकी दुकान भी है, दुकान चल नहीं रही, एवं उससे भी परेशान है। बहन बहुत तनाव में है, एक फोटो वायरल हो गई थी, जिस फोटो वायरल होने के कारण वह डिप्रेशन में है। बालाजी कृपा करेंगे, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। वो बहुत डिप्रेशन में है बहन आपकी, वो तो उसमें ये जो उपद्रव किया अपने ही व्यक्ति ने किया था, जो गंदी हरकत हुई है वो अपने ही व्यक्ति द्वारा हुई है। हम करेंगे उपाय, आप चिंता मत करो, हमें पहले आपके तंत्र का उपाय करना है, क्योंकि घर में बंधन भी किया गया तंत्र का, इसी तंत्र के बंधन के कारण कर्ज बना हुआ है। और बहन के लिए तो इसकी चर्चा बहुत कम करें, बहुत कम चर्चा करें तो ज़्यादा उचित है, क्योंकि वो जब भी चर्चा सुनती है टूट जाती है। और गलती तो है ही, बात अलग, लेकिन अपने व्यक्ति ने उसमें धोखा ज्यादा कर दिया। प्रायः संसार में कोई ऐसा नहीं है जो ठीक हो, सब लोग गलत होते हैं, तो अपनी गलती, तो उसमें अपन चर्चा बहुत कम करें। हम बालाजी से प्रार्थना करेंगे कि उसको सबल मिले, और उसको ऐसे कुछ स्टोरीज, ऐसी कुछ लोगों के नाम बताना है कि जिन्हें समाज से हटाया गया, घृणा की गई, फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं समझा और उन्होंने नाम रोशन किया। ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज से उसको जोड़ो तो आपकी बहन डिप्रेशन से बाहर आएगी। ओके? कोई संदेह? बात एकदम सही? सदा प्रसन्न रहो, खुश रहो बहना। राम, साधु जी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, अपने अपने मताई बाप की, दिव्य दरबार की। माइक लीजिए आप, उस तरफ मुंह करें। कहां से आना हुआ है? नागदा। नागदा कहाँ है? यहाँ नागदा जंक्शन। अच्छा, नजदीक हो। बोलो माँ, क्या अर्जी है आपकी बालाजी के चरणों में? मेरी तो बस एक ही अर्जी थी कि मैं बस एक बार आपके चरणों में बैठूं। आ गए बालाजी ने। और पूछो माँ। बस कुछ भी नहीं, आपका आशीर्वाद। आशीर्वाद बस। हमने भी कुछ नहीं लिखा, कोई परेशानी नहीं है, शरीर पीड़ा ठीक रहे, केवल आशीर्वाद लेने आई है और कुछ भी नहीं बोलेंगे। बस बाबा आपका आशीर्वाद चाहिए मेरे को तो। मैं आपके चरणों में लाने के लिए बहुत बहुत मेहनत कर रही थी।
बालाजी की करना। क्या बात, एकदम सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बोला बागेश्वर धाम की जय। समाज सेवा करनी है। हाँ, बाबा सुनेगा तो आज्ञा है। जय जय श्री राम। दाहिने हाथ के पंडाल में पीछे की तरफ ये जो नहीं नहीं ये बाएं हाथ, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेफ्ट, लेफ्ट हाथ, बायां हाथ के पंडाल लेफ्ट में पीछे की तरफ विजय नाम का एक कोई सफेद तौलिया बांधे हैं, विजय नाम के सिर पर सफेद तौलिया होगी, आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार है। कहां से हो प्यारे, माइक, माइक से बोलो, माइक से बोलो। हाँ, परिचय तो माइक से ही दे दो। कहां से हो? मंदसौर से। मंदसौर, क्या नाम है? शिवम रावल। अच्छा, वाह वाह वाह। अब धाम भी आते रहना, वहां भी सेवा करनी है, और अब प्रत्येक युवाओं को भारत हिंदू राष्ट्र के लिए भी सेवा करनी है। हमने लिखा जो हमें आज्ञा। हाँ जी, आप ही हो जी? ओ भाई साहब, हेलो, आप ही हो? सिर पर तौलिया क्यों बांधी थी, अभी छोड़ ली क्या? हाँ तो ठीक है, बांधे रहो जो की, तो नहीं तो नो एंट्री। हाँ बोलो, क्या बात जी? अगर हम आपका डाउट दूर कर दें, पहला हमने भी एक और दो ही क्वेश्चन लिखे। चित्त बहुत अशांत है आपका शादी को लेकर के, शादी की जो बात आई है वहां हां कह दीजिएगा, और वह परिवार को लेकर चलेगी, बिल्कुल चिंता ना करें, आशीर्वाद है। जय जय सियाराम। सुख शांति रहेगी, मां आपकी बीमार है घर में, उनको भी आराम लगे, आशीर्वाद। माँ को पहले कभी इन्फेक्शन बना रहा है? हाँ, चलो कोई बात नहीं, आओ। परिवार तुम्हारा बहुत ज्यादा पीछे लगा है, बेइज्जती करता रहता है, लेकिन ये जो शादी वाली बात है ना, इसमें एक रोड़ा बन रहा है यार भाई। आप हमें थोड़ा समय दो, बात बढ़ने दो, समय दो, हम अपने हिसाब से इसको सॉर्ट आउट करेंगे, और धाम आओगी जब आप पेशी में, बालाजी करुणा करेंगे, और बात बढ़ाओ। अच्छा परिवार है, नौकरी बढ़िया है, काम अच्छा कर दे, घर के लिए भी ठीक है, लेकिन एक थोड़ा सा रोड़ा हमें लगा एक जगह, और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, और साधारण सी बात है, परिवारिक ठीक हो जाएंगे, आशीर्वाद। माँ स्वस्थ हो जाएंगे।
बहुत रोई है तुम्हारी माँ, परिवार वालों ने बहुत सताया, पूरे परिवार ने। हम जब रहे तब आ जाना, अभी हम 11 तारीख को रहेंगे, फिर हम जुलाई में रहेंगे, 2-3-4 जुलाई रहेंगे, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं वहां बेंगलुरु, यहां से जाएंगे बेंगलुरु, बेंगलुरु में हमारी कथा है 13 और 14 की, वहां फिर 2-3 दिन हम पुस्तक लिखने के लिए जाएंगे एक जगह, कि हम एक पुस्तक लिख रहे हैं। हाँ बता दें आप लोगों को, एक किताब लिख रहे हैं जो द केरला फिल्म में पूछा गया था कि सनातन धर्म क्या है, और बच्चों को पता नहीं है सनातन धर्म के बारे में, तो हम एक छोटी सी पुस्तक लिख रहे हैं कि सनातन धर्म क्या है, और भारत के प्रत्येक स्कूलों में उस पुस्तक को पहुंचवाया जाएगा। उसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है, और उसके लिए हम समाज के लोगों से 5 दिन की छुट्टी भी लेंगे, और अकेले में एकांत में जाकर के और उस पुस्तक का लेखन करवाएंगे। आशीर्वाद। चलो कैसा उपाय है ये, ठीक है ना, है ना? चलिए भाई साहब को भेजो, चढ़े आओ भैया महल पे। राम, साधु जी, माइक लो। क्या नाम है? विजय। विजय हमने बुलाया था। हाँ बुलाया, तो वहां खड़े थे क्या? हाँ। कहां से आए? आगर मालवा। आगर मालवा, यहां तुमने नाम हम बताया था क्या किसी को? हुलिया बताई नाम किसी को नहीं बता। हमें कैसे पता चला? कैसे पता चला लो बताओ। बालाजी की कृपा से। हाँ बोलिए, क्या बात? मुझे किडनी की समस्या है। और कोई बात? किडनी के अलावा मुझे दो, मतलब किडनी डलवा ली थी एक बार, वापस खराब हो गई, किडनी दोबारा डलवाना चाहते हैं। पढ़िए, एक बार डली है ना? हाँ, हमने एक बार डल चुकी है। पढ़िए, स्वास्थ्य ठीक नहीं आपका, किडनी खराब है व डायलिसिस स्थिति बनी हुई है, साथ में पूर्व में एक बार आप जो है ट्रांसप्लांट करवा चुके, पुनः करवाना चाहते हैं, आगे सफल होगी और करवा लें, आशीर्वाद है। जय बालाजी सरकार की जय। अब फिर से आना है, फिर से आना है। अरे यार भाई, लफड़ा है तुम्हारे में, दवा काम और बार बार ये खराब होने के पीछे लफड़ा है। 2013 से दिक्कत हुई शुरू, 2013 से तो कारण भी आ गया है। गुरुजी बता रहे हैं 2013 से दिक्कत शुरू हुई जी। तंत्र के कारण है, टोटका है जी। और इसमें अब हम कह नहीं सकते इनका नाम क्यों आया, हम बहुत परेशान हैं, लेकिन तुम्हें सौगंध है हनुमान जी की, कभी बताना नहीं जी। माइक नीचे रख लो, तुम पढ़ तो लेते हो ना? हाँ, ये बार बार आ रहे हैं, 8 से 10 बार आ गए ये करवाने के पीछे, 8 से 10 बार एक ही व्यक्ति का नाम आ रहा, समझ गए? ठीक है, आप एक काम करो, सुंदर कांड के 11 पाठ करवाओ, गोमूत्र का पान करो, हम नियम जो दिए हैं बालाजी वाले बे करो, धाम आना कट जाएगा, और जाओ अगर नियम का पालन करोगे तो सफल होगे। चलो साधु जी, अब जिनको पूर्ण अर्जी लगवानी हो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो सभी, दोनों हाथों की मुट्ठी ऐसे बांधो, जिन जिन को अर्जी लगवानी हो कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा,
हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। बालाजी को मन ही मन प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को करो, सब लोग हमारे साथ बोलोगे, ओ बागेश्वराय नमः, ओ बागेश्वराय नमः, ओ बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के परचा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वो अगर इस उपाय को करें, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दें, महीने में एक बार, दो महीने में एक बार बागेश्वर धाम जाकर पेशी करना प्रारंभ कर दें, तो बिना परचा बने ही काम सफल हो जाता है, अर्जी स्वीकार घर बैठे हो जाती है। अब मन ही मन अपने प्रश्न को तीन बार बोलिएगा, कोई खड़ा नहीं होगा, इसके बाद प्रेत दरबार लगेगा। तीन बार अपने प्रश्न को बोलो, ओम 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 कहो। हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से सात बार करो और पीछे की तरफ छोड़ दो। अब बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा एंटी क्लॉक में सिर से सात बार करो, इसे भी पीछे की तरफ छोड़ दो। ऐसा करने से नकारात्मक नेगेटिविटी जो एनर्जी शरीर की होती है वो दूर होती है। दोनों हाथ मलो, बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा वहां स्पर्श करा लो। जिनके परचा नहीं बन पाए, घर पे बीमारी है, रोग है, घर पे नारियल लाल रंग के कपड़े में बांध के रख लो, बागेश्वर धाम के नाम का झंडा लगा लो, वा घर पर एक कटोरी में गंगा जल रख कर, एक उपाय है, हनुमान चालीसा की बहुत ही पावरफुल चौपाई है, नासे रोग जपत निरंतर। इस चौपाई को आप 108 बार बोलकर फूंक लगाकर रोगी को पिला दो, जाओ आराम लगेगा। काम सफल नहीं होते,
नारियल बांध लो महीने में एक बार, दो महीने में एक बार, तीन महीने में एक बार, बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर दो, वहां से आपको सिद्ध अभिमंत्रित चरणों से कवच प्राप्त हो जाएगा। जाओ, तुम जहां भी जाओगे फतेह करके आओगे। अब जिनको भी ऊपरी बाधा है वो मुट्ठी बांध लो दोनों हाथों की, कोई खड़ा नहीं होगा, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। जिनको भी ऊपरी बाधा है, प्रेत बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा है, हम सामूहिक उपाय कर देते हैं सबके लिए। राम राम, पिटाई लगाई जाए। प्रेतों को पकड़ना नहीं है, आने देना है, गैलरी से आगे मार और तेज की जाए। जितने भी यहां प्रेत बाधा वाले बैठे हैं सबको चमीटा की मार लगाई जाए सेनापति। राम 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 राम, बैठे रहना है, कोई खड़ा नहीं होगा, हमने कहा ना डरना है, वो सब चलता रहता है। दरबार में पूरी सेना है, आवे और तेज मार लगा। जय हो बालाजी, उठा उठा फेंको, जितना इन प्रेतों ने परेशान किया चमीटा मार मार कर इन्हें परेशान किया जाए। कोई भी खड़ा नहीं होगा, राम आने देना उसको। और सेनापति पीछे की तरफ प्रेत रह गए हैं, उनकी भी दुर्दशा मार मार के करो। राम श्री मोम, राम 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 उनको। माताजी को आने देना तुम लोग। अरे माताजी तुम खड़ी हो, तुम मत डरो, बैठी रहो, कुछ नहीं होना तुम्हारा। और मार लगाओ। ओम राम 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 राम। और उठा पटक कर दो, मार मार दुर्दशा कर दो इन प्रेतों की। इनके जितने गुरु हैं उन सब की शक्तियों को कीलत करो। हम फट राम बोलो, बागेश्वर बालाजी की। आप लोग भी मन ही मन में बैठे बैठे प्रार्थना करो कि तुम्हारे घर में भी अगर कोई अलाय बलाय है तो वो आज ही यहीं दरबार में बंध जाए।
और बीच में ये जितने प्रेत रह गए इनको गरम चमीचा मारे जाए सेनापति। राम 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 राम। पीछे दो प्रेत रह गए सेनापति, पीछे सबसे पीछे वाले उन्हें भी रगड़ो चमीचा की मार से। वहीं रे वहीं रे वहीं रे। सब दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, प्रेतराज सरकार की। बोल चमीटा वाले बाबा की, चमीटा वाले बाबा की। बोल चमीटा वाले बाबा की। ये जो डी है ना, अगर ये डी खाली कर दो तो सब प्रेतों को इसी में बैठा दो। थोड़ा सा ऐसे भर हो जाओ साइड में, इस डी में बैठा दो सबको। थोड़ा ऐसे हो जाओ, थोड़ा सा ऐसे भर हो जाओ, इसी डी में प्रेतों को कर दो, सभी प्रेतों को उसी में कर दो, सभी रोगियों को, क्योंकि अभी पीछे और है ना। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। सब लोग हमारे साथ बोलेंगे ओम बागेश्वराय वीर वीराय हम फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हम फट स्वाहा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब, महावीर जब। सभी प्रेतों को उसमें कर दो। जय हो भूत भैया। अरे देखो तो कुलाटे खा रहे और मान लगा इन्हें। वही वही हैं, वही और सिर में मारो चमीचा। जितना परेशान इन प्रेतों ने किया, मार मार कर इनकी दुर्दशा करो। बागेश्वर बालाजी की पूरी सेना, हे सन्यासी बाबा की सेना, जितने भी प्रेत रोगी हैं, इन सब प्रेतों को जंजीर में बांधा जाए। राम बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ताली बजाते हुए बाकी लोग गाओ, जितना भजन करोगे हनुमान जी सेना भेज कर उतना ही पिटाई करवाएंगे भूतों की। बोलो जय बाबा की, 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 जय बाबा की। राम बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, प्रेतराज सरकार की। हे बालाजी की सेना, जितने भी प्रेत रोगी हैं यहां, सभी को, प्रेतों को अपने बंधन में लो। और जितना परेशान इन प्रेतों ने किया, अपने चरणों से बांध कर इन प्रेतों को भी उतना परेशान करो। इन रोगियों की बहुत हंसी हो गई, बहुत इन्होंने घर बर्बाद कर लिया, बहुत उपद्रव करवा दिए। अब बालाजी की सेना संपूर्ण रूप से दरबार में आकर मार चमीटा इनकी दुर्दशा कर दी जाए। बांध लो। अब सब लोग दोनों हाथ उठाओ, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। तो बताओ बागेश्वर धाम कौन कौन आ रहा है। अच्छा दूसरी बात, कथा का पागल कौन कौन है, कथा सुनने वाला। आज की कथा शाम 4 बजे से अपने समय पर होगी,
और एक दिन का दरबार था। कल फिर कथा यहां पर होगी शाम 4 बजे। और फिर कभी टाइम मिलेगा तो मंदसौर में 5 दिन या 7 दिन की भगवान की कथा सुनाएंगे। जाओ बालाजी, तुम सबकी अलाय बलाय दूर करें, सबकी बाधा दूर करें। जाओ, तुम्हारे ऊपर जिंदगी भर बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की कृपा बनी रहे। समस्त जानकारी कार्यालय या बागेश्वर धाम के ऑफिशियल चैनल से लो। जो भी फोटो चित्र लेकर आए हैं यहां पंडित जी तक पहुंचा दो, हमारे पास आ जाएगा। शाम की कथा में कौन कौन आ रहा है? आ काय को रहा, जाओ ही ना, आने का मतलब ही नहीं। शाम 4 बजे पुनः दरबार में हम आते हैं कथा के लिए। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। इन सभी प्रेतों को सेनापति शांत कर दिया जाए। सेनापति, सभी प्रेतों को अपने बंधन में लो। प्रेत बाधा वाले मुट्ठी बांधो दोनों, केवल प्रेत बाधा को, जिन्हें भूत बाधा है। दोनों हाथ मलो ऐसे। ऐसे सिर में लगाओ। जो प्रेत बाधा के रोगी हैं, इनके साथ में जो भी हैं, वो सुनो उपाय। रोज 5 आहुति आपको घर पर बागेश्वर धाम की देनी है। मंगलवार को बागेश्वर धाम पर बिना टोकन नंबर का प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है, उसमें रोगी को लेकर आना है। आज से तुम्हारे रोगियों को आराम भूत बाधा में लगने लगेगा। जाओ, आशीर्वाद है। पर बाद में पूर्ण निपटारा बागेश्वर धाम पर होगा। एक दिवसीय दिव्य दरबार यहीं विराम करते हैं हम। हमें लगी भूख। जय सियाराम। एक और बात हमें सही ध्यान आ गई है, हमने पिछली दरबार में भी बोला था, जो हमसे मिलने के नाम पर पानी नहीं पीते, भोजन नहीं खाते, ऐसा संकल्प लेते हैं, पहली बात तो ऐसा संकल्प बंद करो। हमसे मिलने के लिए इस प्रकार के किसी भी संकल्प की आवश्यकता नहीं है। राम नाम के भजन की आवश्यकता है। आप पानी पी लो, भोजन कर लो, हमारी व्यस्तता ज्यादा है। हम तुम्हें धाम पर मिलेंगे पक्का, लेकिन हमें आप इस प्रकार से भाव अपने बालाजी के प्रति रखो, हमारे प्रति मत रखो। तो कोई भी भक्त इस प्रकार का कोई संकल्प नहीं लेगा कि हम पानी नहीं पिएंगे या भोजन नहीं करेंगे। भोजन खाओ और पानी ज्यादा पियो, गर्मी बहुत ज्यादा है। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सियाराम। अब हम जा रहे इति श्री सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम।
राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम